शक्ति समारोह समिति के प्रभु दयानंद की ओर से आयोजित आज के इस विचार गोष्ठी में मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष, यहाँ की समिति के भी माननीय अध्यक्ष श्री एल के हवनूर जी, इस सभागार में उपस्थित बेलगांव शहर के ऐसे प्रबुद्ध मातृशक्ति, ऐसे समाज के प्रबुद्ध बंधु, मेरा सौभाग्य है कि आज आप सबके बीच में मुझे कुछ बात रखने का अवसर मिला है। जम्मू कश्मीर में संघ के प्रांत प्रचारक के नाते 6 साल में रहा, थोड़ा निकट से मुझे देखने का अवसर मिला। वहां रहने के बाद मेरे कुछ निष्कर्ष निकले। अपने संगठन में सबसे चर्चा करने के बाद और एक विचार बना कि जम्मू कश्मीर के इस विषय को लेकर देश भर में जाना चाहिए। मैं जब वहां प्रांत प्रचारक था उस नाते भी मुझे देश में जाना पड़ता था। एक 2-3 साल बाद मेरे से जब लोग सवाल करते थे कि आप जम्मू कश्मीर में गए, आपको 2-3 वर्ष हो गए, आपका क्या कहना है, तो मैंने उनको कहा कि 3 वर्ष पहले जब मैं जम्मू कश्मीर में आया था, मेरा उससे 180 डिग्री परसेप्शन बदल गया। लोगों को कुछ समझ में नहीं आता था। फिर मेरे से लोग सवाल करते थे कि वहां का प्रॉब्लम क्या है। मैं बहुत बार जाता हूं तो बहुत सारे कार्यक्रमों में समाज के बहुत सारे लोगों के साथ खड़े होकर मुझको बोलने का अवसर मिलता है। आमतौर के ऊपर लोगों का निष्कर्ष निकलता है कि जम्मू कश्मीर एक ऐसा विषय है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है, 100 साल भी ये होने वाला नहीं। मेरे से भी लोग सवाल करते हैं कि जम्मू कश्मीर की समस्या कभी सुलझेगी क्या, प्रॉब्लम क्या है, सेपरेटिज्म है क्या, फंडामेंटलिज्म है क्या, टेररिज्म है क्या। मैं ऐसे सब लोगों को कहता हूं कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ है जो आप सुनते हैं और समझते हैं, लेकिन जिसको आप जम्मू कश्मीर प्रॉब्लम कहते हैं, मेरा मानना है कि इस प्रॉब्लम को हम 4-5 साल में ही सुलझते हुए देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ काम करने की जरूरत है। ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसके बारे में हमारे मन में है कि सुलझ नहीं सकता। तो लोग कहते हैं क्या करना है, तो मैं उनको कहता हूं कि पहली बात है इसको आप समस्या कहना बंद कीजिए। ये कश्मीर समस्या ही शब्द गलत है। पहली बात, ये स्टेट जो है ये कश्मीर नहीं है, ये जो स्टेट है ये जम्मू कश्मीर है। आज जम्मू कश्मीर का मानचित्र मैं आपको दिखाना चाहता था, मुझे ध्यान नहीं था कि इसकी व्यवस्था है, नहीं तो मैं तुरंत, मेरे पास एक पूरा प्रेजेंटेशन भी था, वो भी मैं देता तो आपको कश्मीर ध्यान में आता। जम्मू कश्मीर स्टेट 1,01,000 स्क्वेयर किलोमीटर का है, उसमें कश्मीर ये ओनली 15,000 स्क्वेयर किलोमीटर है। 86,000 स्क्वेयर किलोमीटर ऑफ स्टेट इज नॉट कश्मीर, ये बेसिक बात है। और दूसरा, पर्टिकुलरली इन कश्मीर, यू मे कॉल इट एज इन स्टेट ऑल्सो, देर इज सम प्रॉब्लम ऑफ सेपरेशन, एलिनेशन, टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, बट दैट प्रॉब्लम ऑफ सेपरेशन, एलिनेशन, टेररिज्म कुड नॉट बी कॉल्ड एज कश्मीर प्रॉब्लम। हमारे छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की समस्या है तो हम सब कहते हैं नक्सलवाद की, हम छत्तीसगढ़ प्रॉब्लम नहीं कहते। बिहार में कुछ पिछड़ेपन की समस्या हो सकती है, गरीबी की समस्या हो सकती है, उसको बिहार प्रॉब्लम नहीं कहेंगे। कभी अपने पड़ोस के तमिलनाडु में थोड़ा एक सेंस ऑफ सेपरेटिज्म था, दैट वॉज नॉट अ तमिल प्रॉब्लम। भारत के प्रत्येक हिस्से में कुछ ना कुछ समस्याएं हैं, ये जो कश्मीर प्रॉब्लम कहना है दिस इज अ प्रॉब्लम। भारत के जम्मू कश्मीर में भारत की समस्या है और वो समस्या अलगाववाद और आतंकवाद की हो सकती है। मैं आमतौर पर कहता हूं, हम जम्मू कश्मीर के लोग कहते हैं इस विषय को लेकर कि दिस इज दिल्ली प्रॉब्लम। आज से कुछ समय पहले की बात है, भारत सरकार ने 3 वार्ताकार नियुक्त किए, श्री दिलीप पेडगांवकर जी, श्रीमती राधा कुमार और प्रोफेसर एन एम अंसारी, देश के अंदर बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं। हम सब लोग उनके नाम सुने हैं, उनके लेख भी अखबारों में पढ़े होंगे। इंटरप्रेटर के नाते आए देश के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर आने का उन्होंने निश्चय किया। 1-2 महीने बाद संघ को भी उन्होंने सूचना दी कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। हमने पूछा किस लिए, जम्मू कश्मीर के बारे में आपका व्यू क्या है, कश्मीर समस्या के बारे में आपका व्यू क्या है, तो संघ ने उनको कहा कि हमारी आपसे मिलने की कोई इच्छा नहीं है। संघ का व्यू क्या है, तो हमारे रेजोल्यूशन से हम आपको भेज देते हैं, आप पढ़ लीजिए, आपकी रिपोर्ट क्या आनी है वो हमको पहले से मालूम है, मिलने का हमको कोई लाभ लगता नहीं है। बाद में उन्होंने रिटर्न में भेजा, नागपुर के पते पर उन्होंने कहा कि हम संघ से मिलना चाहते हैं, तो हमें थोड़ा लगा कि रिटर्न में आने के बाद मिलना जरूर चाहिए, कल को रिपोर्ट आएगी हम विरोध करेंगे, वो कहेंगे जब हम आपसे मिलना चाहते थे तब तो आप हमसे मिलेंगे, आज आप हमारा विरोध कर रहे हैं। तो ऐसा निर्णय हुआ संघ की ओर से 3 लोग मिलने जाएंगे, ऐसा निर्णय हुआ। श्री राम माधव जी,
माननीय बजरंग लाल जी हमारे उत्तर क्षेत्र के माननीय संघ चालक है, उसमें हम तीन लोग मिलने के लिए बातचीत में तय हुआ। बातचीत की शुरुआत मैं करूंगा और बाद में वो सब लोग विषय को संभालेंगे और समाप्त करेंगे। एक 40 मिनट उनकी सारी बातचीत सुनने के बाद, क्योंकि हमने कहा आप ही बताइए, आप इंटरलोकेटर के नाते आए हैं, सरकार की ओर से आए हैं, आपके पास प्रपोजल क्या, व्हाट आर योर प्रपोजल, आप क्या करना चाहते हैं। उन्होंने कहा आप बताइए आपका क्या कहना है। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा आपसे मिलने से पहले मैं एक बात कहता था, हम जम्मू कश्मीर को कहते थे, आज मेरा वो पक्का हो गया आपसे मिलने के बाद। मैंने कहा क्या, मैंने कहा वी पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर नेवर कॉल इट एज ए कश्मीर प्रॉब्लम, वी ऑलवेज कॉल इट एज ए दिल्ली प्रॉब्लम। दिस इज अ प्रॉब्लम क्रिएटेड बाई दिल्ली, नर्चर्ड बाई दिल्ली एंड कैरिड ऑन बाई दिल्ली। दिल्ली ने पैदा किया है, दिल्ली ने पाला है, दिल्ली इसको बढ़ाना है। और व्हेन आई कॉल दिल्ली मीन्स पॉलिटिशियंस बेस्ड इन दिल्ली, ब्यूरोक्रेट बेस्ड इन दिल्ली एंड सो कॉल्ड जम्मू कश्मीर एक्सपर्ट बेस्ड इन दिल्ली। तो पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट से उनको कोई आपत्ति नहीं होती है, वैसे भी राजनेता बहुत निरी होता है, उसको कोई भी कुछ कह सकता है। सुरेश जी बुरा कम मानिएगा, देश के अंदर वो बोल भी नहीं सकता बेचारा। ब्यूरोक्रेट भगवान ने ऐसा बना दिया होता है, उनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि आप कुछ कहते रहो उन पर कोई असर नहीं पड़ता। वो जो एक्सपर्ट है वो बहुत परेशान है, श्रीमती राधा कुमार से एकदम रिएक्ट की, वो जाकर मीडिया में पढ़ाती है। उन्होंने कहा हमें कह रहे हैं क्या, पहले लॉन्कर फर्स्ट टाइम्स ऑफ इंडिया में एडिटर रहे बहुत समय, एकदम उनका चेहरा सन गया। मैंने कहा बिल्कुल मैं आपको ही कह रहा हूं और आपकी सारी बात सुनने के बाद कह रहा हूं। मैंने कहा आप सब लोग जम्मू कश्मीर को समझते नहीं, जानते नहीं, चले आप सोल्यूशन बताने के लिए, बिल्कुल मैंने इसी वर्ड में कहा। और जो आपने कहा मैं उसके आधार पर कह रहा हूं, आज मेरा और पक्का हो गया। तीन बातें उन्होंने कही मुझे, यानी उनकी 40 मिनट की बात का क्रक्स जो था, उन्होंने कहा ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड है आप समझ नहीं सकते, इसको आसान नहीं है सोल्यूशन करना है, तो हम ही है जिन्होंने हिम्मत से इस चैलेंज को स्वीकार कर लिया। तो कॉम्प्लिकेटेड क्या, उन्होंने कहा दिस इज अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, फर्स्ट उनका कहा डायमेंशन है साइकोलॉजी का, साइकोलॉजिकल है। उन्होंने कहा दिस इज अ साइकोलॉजी ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी कश्मीर पिटी करें हिंदू मेजोरिटी भारत, ये उन्होंने पहली बात कही। दूसरा उन्होंने कहा दिस इज एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम, ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है नहीं। उन्होंने कहा कितने इसके स्टेट एक्टर्स हैं, कितने इसके स्टेक होल्डर्स हैं, चाइना है, पाकिस्तान है, यूएनओ में हमने कमिटमेंट किया हुआ है, जब तक यूएनओ का रेजोल्यूशन नहीं लागू होगा तब तक इसका फाइनल सोल्यूशन नहीं हो सकता। बहुत सारी ब्रिटिश और अमेरिकन और बाकी सब डिप्लोमेसी हैं, उनके भी इंटरेस्ट है इसके अंदर, इसके बहुत सारे इंटरनेशनल डायमेंशन भी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और देखिए एक बात और भी है, हमारे नेताओं ने बहुत सारे वादे किए, उन्होंने कहा दिस इज अ सेगा ऑफ ब्रोकन प्रोमिसेस, हमने वादे किए 47 में किए, 50 में किए, 52 में किए, 53 में किए, हमने कभी पूरे नहीं किए। अब हमने कहा पूरा तो करना ही पड़ेगा। और आखिरी उन्होंने कहा कि देखिए और कुछ नहीं तो मानवीयता की तो प्रॉब्लम है या ह्यूमन एंगल तो है, आप बताओ आप घर से निकलो और बाहर निकलकर आप से कोई कहे आपके मोहल्ले में कहे आई कार्ड दिखाइए, आपको कैसा लगेगा, आप कहेंगे आप कौन होते हैं, मेरे घर में मेरे गांव में मेरी आइडेंटिटी पूछने वाले कौन होते हैं। आप चले और आपकी गाड़ी को रोक करके जरा तलाशी दीजिए, आप निकले और थोड़ा गांव से बाहर निकले और दो आदमी आपके और बंदूक तान कर खड़े हो तो आपको कैसा लगेगा। उनने कहा बच्चों पर अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, बहुत एक्सेसिव हुई है, एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा हमको। मैं जब उनकी सारी बातचीत सुन रहा था तो मैंने उनको कहा ये जो आपके चार बातें आपने कही, मैं इन चार बातों के आधार पर ही कह रहा हूं। मैंने कहा पहली बात आपने कही मुस्लिम मेजोरिटी कश्मीर पिटेड अगेंस्ट हिंदू मेजोरिटी भारत, अगर आप कश्मीर जम्मू कश्मीर कह रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। टू आउट ऑफ थ्री रीजन दे आर नॉट कश्मीर, कश्मीर इज वन ऑफ द थ्री रीजन, स्मॉलेस्ट ऑफ द थ्री रीजन, इन स्टेट सबसे बड़ा रीजन दैट इज लद्दाख 59,000 स्क्वायर किलोमीटर, सेकेंड इज जम्मू 27,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो आप अगर स्टेट की बात कर रहे हैं तो स्टेट इज नॉट कश्मीर, और मुस्लिम मेजोरिटी कश्मीर पिटेड अगेंस्ट हिंदू भारत, अगर से हिंदू मेजोरिटी भारत कह रहे हैं तो मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट में 86% ऑफ द एरिया इज नॉट मुस्लिम मेजोरिटी, लद्दाख इज मोस्ट मेजोरिटी। फोर ऑफ द फाइव वैलीज इन लद्दाख चांगथांग नुबरा जंस्कार एंड लेह, ओनली वन ऑफ द फाइव वैली दैट इज कारगिल दैट इज मुस्लिम मेजोरिटी, इन टोटल लद्दाख में 62% बुद्धिस्ट है। फोर ऑफ द फाइव वैलीज में 80-90% बौद्ध है। 27,000 स्क्वायर किलोमीटर जम्मू दैट इज हिंदू मेजोरिटी, तो 86% एरिया ऑफ द स्टेट इज हिंदू एंड बौद्ध मेजोरिटी।
only one part of the state, that is Kashmir Valley, that is Muslim majority. वो थोड़ा डेंसली पॉपुलेटेड है, थोड़ी पॉपुलेशन ज्यादा है वहां का. कुल मिलाकर 1,20,00,000 पॉपुलेशन में 70,00,000 मुस्लिम है, 50,00,000 हिंदू सिख बौद्ध है. पर 85% ऑफ द एरिया ऑफ द स्टेट में हिंदू एंड बुद्धिस्ट आर मेजोरिटी. और जब आप पिटिट की बात कहते हैं तो मैंने उनको कहा कि मैं पिटिट के बारे में आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि देश के अंदर मिनिमम बीपीएल जम्मू कश्मीर में लेस देन 10%. केरल के बाद हाईएस्ट एजुकेशन जिन स्टेट के अंदर है उनमें से वन ऑफ द स्टेट इज जे एंड के. उसके बाद भी बिहार के मुकाबले 12 times हाई सेंट्रल असिस्टेंस मिलता है और बंगाल से 16 times ज्यादा सेंट्रल असिस्टेंस मिलता है. इन 2010 10,000 रुपी पर हेड, दैट वॉज द सेंट्रल असिस्टेंस इन जम्मू एंड कश्मीर. एक फैमिली को 40,000 रुपीज, 4-5 की फैमिली है तो 50,000 रुपए है, दैट वॉज द सेंट्रल असिस्टेंस. वो डिफरेंट फॉर्म. कश्मीर वैली की 50,00,000 पॉपुलेशन में 4,00,000 गवर्नमेंट एम्प्लॉई है. मैंने उनको कहा कि आप पूरी कश्मीर वैली में चले जाइए, आप मुझे एक घर कच्चा दिखा दीजिए, सिंगल घर. तो पिटिल कहते हैं वो कौन सी सेंस है, वो एकदम चुप, उनके पास कोई उत्तर नहीं था. मैंने कहा बेसिकली आप सब लोग जम्मू कश्मीर को समझते हैं, हम जम्मू कश्मीर को केवल एक आंख से देखते आए. इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं तो यूएनओ में कोई हमारा, हमने कभी प्लेबिसाइट का कमिटमेंट नहीं किया. मैं बिल्कुल इसी फर्म इसी भाषा में बोलता हूं, वो हमारा कंफ्यूजन है. वो क्या है मैं थोड़ा बाद में जरूर चर्चा करूंगा. दुनिया के किसी फोरम पर आज तक पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर दावा नहीं किया, वो कर नहीं सकता. किसी इंटरनेशनल फोरम पर पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन, ये सब भी जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान का दावा नहीं बताते. जिस इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट की क्रिएशन पाकिस्तान है, उसी इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के एक्सेशन भारत ने हुआ है. पाकिस्तान ने कभी भी जम्मू कश्मीर के एक्सेशन को चैलेंज नहीं किया. जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान ने इनलीगली चाइना को ट्रांसफर किया 1963 में. उसके लिए वो ट्रीटी करते हैं, 1963 की साइनो पाक ट्रीटी है. उस ट्रीटी के अंदर लिखते हैं दिस इज ए ट्रीटी बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान फॉर द एरिया ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर प्रेजेंटली इन कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान अथॉराइज नहीं था. वो ट्रीटी में लिखता है दिस इज ए ट्रीटी बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान फॉर द एरिया ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर प्रेजेंटली इन कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान कॉन्टिजियस टू जिनजियांग ऑफ चाइना. चाइना के जिनजियांग की सीमा से लगते हुए जम्मू कश्मीर के जो हिस्से पाकिस्तान के कब्जे में है हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं. उन्होंने कहा फाइनल रेजोल्यूशन कब होगा, फाइनल ट्रीटी कब होगी, जब जम्मू कश्मीर के फाइनल भविष्य का फैसला होगा. ऐसा उस ट्रीटी में लिखा. वो इलीगल ट्रीटी थी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी. दोनों ही लेने वाला देने वाला दोनों ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे थे. जम्मू कश्मीर इज नॉट एन इंटरनेशनल इशू. मैंने कहा हमने कोई वादा किया नहीं है. जम्मू कश्मीर का इंटीग्रेशन कंप्लीट है, विलय पूरा है. जो हमने कहते हैं माउंट बैटन ने कोई चिट्ठी लिखी थी सर्टन इन द बिटवीन, वो वादा हम सभी का पूरा कर चुके हैं. आप जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन जानते नहीं, पढ़ते नहीं, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़े बिना आप सब बातें कर रहे हैं. और आप ह्यूमन राइट्स और इन सब की बात कहते हैं तो मैं आमतौर से कहता हूं और अच्छे अच्छे मंचों पर कहता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर इन पॉलिटिकल लीडर्स को छोड़ दिया जाए, सो कॉल्ड सेपरेटिस्ट लीडर्स को छोड़ दिया जाए तो भारत की सेना के खिलाफ वहां की जनता में प्रदर्शन नहीं होता. वो स्टेट मैनेज ना हो तो कुछ नहीं होता. ये जो 2010 में पत्थरबाजी का आंदोलन था, ये आंदोलन भारत सरकार और जम्मू कश्मीर की सरकार ने मिलकर कराया था. वो कुछ एग्रीमेंट उन्होंने कर लिए अमेरिका के दबाव के अंदर, भारत पाकिस्तान ने जिसको मनमोहन मुशर्रफ एक्ट कहते हैं उसमें कुछ निर्णय कर लिए. जम्मू कश्मीर की परिस्थिति ऐसी थी, नेशनल फोर्सेज का दबाव ऐसा था कि वो उनको कर नहीं सकते थे. उसको करने के लिए जिस आंदोलन में 110 लोग मारे गए वो पत्थरबाजी का आंदोलन हुआ. वो जम्मू कश्मीर के केवल 5 जिलों में था, 17 जिलों में एक भी पत्थर नहीं जला था. बेसिकली जम्मू कश्मीर को लेकर हमको इसे समझने की बात है, 3 झूठ है जम्मू कश्मीर को लेकर जो लोगों के दिमाग से हटा है. देर आर 3 मिथ. पहला है मिथ ऑफ सेपरेटिज्म, जम्मू कश्मीर इज ए सेपरेटिस्ट स्टेट. सेकेंड है मिथ ऑफ डिस्प्यूट, जम्मू कश्मीर इज ए डिस्प्यूट. एंड थर्ड मिथ है कि अंडर आर्टिकल 370 वी आर गिवन सम स्पेशल स्टेटस और सम सॉर्ट ऑफ ऑटोनॉमी टू जम्मू कश्मीर. हमने जम्मू कश्मीर को धारा 370 के अंतर्गत कोई विशेष दर्जा दिया है नहीं. ये 3 झूठ है जो लोगों के दिमाग में बैठे हैं. 2 बातें हैं जो लोगों को समझनी है.
और सब मिलाकर जम्मू कश्मीर का डिस्कोर्स बदल जाएगा, एक काम है जो करना है। इतना करेंगे तो अपनी आंखों के सामने इस जम्मू कश्मीर के इशू को इन राइट डायरेक्शन हम आगे जाते हुए देखेंगे, थोड़े समय के अंदर देखेंगे। थोड़ा थोड़ा मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। इसके लिए हमारा जम्मू कश्मीर का अध्ययन केंद्र भी हमने प्रारंभ किया है, एक अच्छा ग्रुप उस पर काम भी करता है, और हम उसके लिए बहुत सारे ओरिएंटेशन प्रोग्राम, वर्कशॉप, एकेडमिक प्रोग्राम ये सब करते हैं, और उसमें 10-15 सेशन में ये सब विषय लेते हैं। इसलिए एक भाषण में सबको कंपाइल करना मुश्किल है, लेकिन थोड़ा सा मैं हर विषय को थोड़ा थोड़ा टच करूंगा, और बाद में आप लोग कुछ पूछना चाहेंगे तो आप पूछेगा। मैंने बिफोर सेपरेटिज्म की बात कही, जम्मू कश्मीर आपको बताए, 2 of the 3 रीजन आर हिंदू एंड बौद्ध मेजोरिटी। जब सेपरेटिज्म की बात करते हैं तो इन 85% एरिया ऑफ द स्टेट आज तक भारत के खिलाफ कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, जम्मू एंड लद्दाख। ये जो कुछ भी सेपरेटिज्म है वहां एक सेक्शन ऑफ कम्युनिटी है, दैट इज कश्मीरी स्पीकिंग सुन्नी मुस्लिम। 5 डिस्ट्रिक्ट में श्रीनगर, अनंतनाग, पुलवामा, बारामूला और शोपियां। बेसिकली हमारी प्रॉब्लम यह है, हम जम्मू कश्मीर जब जाने की बात करते हैं तो वैष्णो देवी के बाद कश्मीर जाते हैं, और कश्मीर में 3 जगह जाते हैं, डल, गुलमर्ग और कहलगांव। मैं सबको कहता हूं आप ये 3 जगह जाना बंद कीजिए, जम्मू कश्मीर समझ आएगा आपको। ये वही 5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। अवगर गुरु की फांसी सारे हिंदुस्तान के अंदर ऐसा हल्ला मचा, लोगों को लगा कि बस फिर भारत खराब हो गया। मैं ऐसे सब लोगों को कहता हूं कि 17 जिलों के अंदर एक भी दिन बंद नहीं, कर्फ्यू नहीं, एक सिंगल प्रदर्शन नहीं हुआ। 90% मुस्लिम है पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एक भी प्रदर्शन नहीं हुआ वहां पर। 90% मुस्लिम है कारगिल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एक भी दिन प्रदर्शन नहीं हुआ वहां पर, उस अवगर गुरु के समर्थन में। 14% गुजर मुसलमान है, 14% गुजर मुस्लिम है, नेवर ए सेपरेटिस्ट लीडर अमन गुजर मुस्लिम। 8% वहां पंजाबी स्पीकिंग राजपूत मुस्लिम है, वो राजपूत स्पीकिंग मुस्लिम है, आज तक कोई सेपरेटिस्ट लीडर नहीं हुआ। 12% सिया मुस्लिम है, हमारा एक बड़ा अच्छा स्टडी सेंटर से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो पत्रकार है, सज्जाद करगली उसका नाम है, हम उसको बुलाते हैं कभी कभी कार्यक्रम है, तो पीछे एक कार्यक्रम आया हुआ था दिल्ली में। उनने कहा मैं आपसे और कुछ नहीं चाहता, मैं हिंदुस्तान के लोगों से केवल एक ही बात चाहता हूँ, आप मेरे को मेरी आइडेंटिटी दे सकते हैं क्या? उन्होंने कहा मैं हिंदुस्तान में जहां जाता हूँ लोग मुझे कश्मीरी कहते हैं, मैं कश्मीरी नहीं हूँ, वो नाम के साथ ही लिखता है सज्जाद करगली। उन्होंने कहा मैं कर लिया हूँ, मैं उनको बताता हूँ कि मैं कश्मीर में, आप कश्मीर गए ना? उन्होंने कहा मैं बताता हूँ कि कारगिल ही था कश्मीर। उन्होंने कहा मेरी समस्या है, पहली बात मैं बताता हूँ कि मैं कश्मीरी नहीं हूँ, फिर कहते हैं अच्छा कश्मीरी तो मुसलमान है आपके। उन्होंने कहा मैं बताता हूँ कश्मीरी मुस्लिम भी नहीं हूँ, मैं तो कारगिल का हूँ, 65 साल हम यहाँ भारत के नारे लगा रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। दुर्भाग्य क्या है कि जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों का सेंस क्या है, जम्मू कश्मीर यानी कश्मीर यानी मुस्लिम कश्मीर यानी अलगाववादी कश्मीर। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रवादी शक्ति है, नेशनलिस्ट वाइट है, नेशनलिस्ट पीपल आर मेजोरिटी इन मेजोरिटी ऑफ द एरिया ऑफ द स्टेट। 65 साल में जम्मू कश्मीर ने राष्ट्रवाद ना कभी हारा है ना कभी हारेगा, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हिंदुस्तान का व्यक्ति जम्मू कश्मीर की राष्ट्रवादी शक्तियों को ना जानता है ना समझता है। मैं सब चैनल के पास जाता हूँ, मैं उनसे रहता हूँ कि आप किनको बुलाते हैं अपने डिबेट डिस्कशन पे, गिनती के नाम है, बच्चे बच्चे को देश के नाम याद हो गए उनसे, गिलानी मीरवाइज, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, सज्जाद लोन, यासीन मलिक, तकबीर शाह, आशिया आंद्राजी, इनके अलावा तो कोई नाम नहीं। ये सारे के सारे इन कश्मीर वैली के इन 5 जिलों के रहने वाले हैं, एक ही सेक्शन ऑफ कम्युनिटी के हैं, दैट इज कश्मीरी स्पीकिंग सुन्नी मुस्लिम। जम्मू के भी 2 सांसद है, आप उनको क्यों नहीं बुलाते? लद्दाख और कारगिल के भी सांसद है, एक सांसद है, आप उनको क्यों नहीं बुलाते? वास्तव के अंदर इस जम्मू कश्मीर के नेशनलिस्ट वॉइस को समझने की जरूरत, उसको जानने की जरूरत। दूसरी बात जो सुनाई नीचे मिस ऑफ डिस्प्यूट, बहुत सारी बात नहीं, केवल 2 बातें छोटी सी कहूंगा। एक, देश को जब आजादी प्राप्त हुई तो हम आम तौर के ऊपर बोलते हैं कि भारत का विभाजन हुआ, भारत का विभाजन नहीं हुआ, ब्रिटिश डोमिनियन का पार्टीशन हुआ। इन इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट देयर वाज डेजिग्नेशन ऑफ पाकिस्तान डोमिनियन, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बलूचिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट बंगाल एंड सिलर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम, अर्थवाइज दिस वुड बी नोन एज पाकिस्तान डोमिनियन, वेस्ट वुड बी नोन एज इंडियन डोमिनियन। यह पाकिस्तान की डेफिनेशन हुई, और पार्टीशन भारत का नहीं हुआ था, ब्रिटिश डोमिनियन का पार्टीशन हुआ, भारत का विभाजन नहीं हुआ, ब्रिटिश इंडिया उस समय 2 भारत थे। मोर देन 562 प्रिंसली स्टेट थी, वो जो मोर देन 562 प्रिंसली स्टेट थी उनकी ट्रीटी थी, और जम्मू कश्मीर के महाराजा की ट्रीटी कैसी ट्रीटी थी अगर आपको समझना हो तो, उनकी ट्रीटी में इन 1846 वो ट्रीटी हुई ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में, वो ब्रिटिशर्स के साथ बाद में वो कन्वर्ट होगी, तो उस ट्रीटी के अंदर
महाराजा को अपनी बैनर रखने का अधिकार था, एक्सटर्नल अफेयर नहीं था, लेकिन ट्रेड उनके पास था। 14 कंट्रीज में उनके ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव थे, 14 कंट्रीज में ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव थे उनके। अंग्रेजों ने कभी अपनी सेना जम्मू कश्मीर में नहीं रखी, और ब्रिटिशर्स ने उनको सुजन नीति का जो आश्वासन दिया उसके बदले में वो अंग्रेजों को क्या देते थे, तो आप उनके हैरान होंगे, साल के अंदर जो अंग्रेजों को देने की सुजन नीति के बदले शर्त थी उसके अंदर उनको साल में 6 जोड़ी भेड़, 6 नर 6 मादा, भेड़ समझते हैं गोट बकरी भेड़ गर, ऐसे 6 जोड़ी भेड़ देनी होती थी और 4 चकनेरी चावल, दैट वाज द कॉस्ट ऑफ द सुजन नीति। बाकी सब विषयों में इंटरनल स्वतंत्र है। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के अंतर्गत जब स्वाधीनता प्राप्त हुई तो भी डोमिनियन का पार्टीशन हो गया, अंग्रेजों ने कहा कि 9 स्टेट्स के साथ हमारी जो ट्रीटीज है वो समाप्त होगी, लैप्स ऑफ पैरामाउंसी होगी, गारंटी ऑफ सुजरेनिटी समाप्त हो गई। जब गारंटी ऑफ सुजरेनिटी समाप्त होगी तो उन्होंने कहा नाउ यू हैव टू मेक योर ओन अरेंजमेंट विद एनी ऑफ द टू डोमिनियन। उसी इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के अंदर सेक्शन 7 के अंदर उन्होंने कहा कि आप किसी के साथ भी संधि कर सकते हैं। आम लोगों के ऊपर लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि देयर वर थ्री ऑप्शन। दुर्भाग्य से रात को भी एक सीरियल आ रहा था प्रधानमंत्री एबीपी पे, आपने से कुछ लोगों ने देखा होगा, जम्मू कश्मीर को लेकर बहुत कंफ्यूजन है लोगों के मन में। अंग्रेजों का एक ओरिजिनल प्राल था कि जेएनके मस्ट गो टू पाकिस्तान, उसके लिए 18 से 23 जून तक 5 दिन जम्मू कश्मीर में माउंटबेटन रहे महाराजा को समझाने के लिए, विद्या भारत के लीडर्स की आश्वासन लेकर कि अगर आप पाकिस्तान में विलय करेंगे तो हमको कोई आपत्ति नहीं होगी। जम्मू कश्मीर का विलय भारत में केवल और केवल एक व्यक्ति के कारण हुआ, वो जम्मू कश्मीर के देशभक्त महाराजा हरि सिंह के कारण। ही वाज अ ट्रू पैट्रियट। दुर्भाग्य से उनको खलनायक बना दिया गया सारे देश में। अपनी अपनी कमियां छुपाने के लिए बहुत सारे हिस्ट्री के डिस्टॉर्शन हुए हैं, और उसको सही से बहुत सारी ब्रिटिश जो डिप्लोमेसी भी थी, आज उसको डिटेल में नहीं करना, लेकिन आम कंफ्यूजन कह रहा हूं कि उनमें देर थ्री ऑप्शन, एक्सटेंशन आइदर टू इंडिया और टू पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट में किसी को स्वतंत्र रहने का प्रावधान नहीं था। चैंबर ऑफ प्रिंसेस के सामने क्राउन रिप्रेजेंटेटिव के नाते माउंट बैटन ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, उन्होंने कहा कि आपको विलय करना है, विलय करते हुए 2 बातों का ध्यान रखना है। एक, जिस कंट्री में आप एक्सटेंशन करने जा रहे हैं उससे आपकी कॉन्टिग्युटी होनी चाहिए, सीमा मिलनी चाहिए, और सेकेंड मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट उनकी विजिट आपके साथ होनी चाहिए, आपके डिसीजन के साथ होनी चाहिए। ये आप 2 बातों का ध्यान रखेंगे, उन्होंने कहा अल्टीमेटली अथॉरिटी लाइज इन यूअर सिग्नेचर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 उसका सेक्शन 6 जो हमारा इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके अनुसार जम्मू कश्मीर के महाराजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किए। ये वही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था जिसके ऊपर मैसूर के, कोचिन ट्रेवनकोर के, ग्वालियर के, मेवाड़ के किसी भी महाराजा ने किए। दैट वॉज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। 26 अक्टूबर को उन्होंने हस्ताक्षर किया, 27 अक्टूबर को माउंट बेटन ने सिग्नेचर किए, और उसके बाद जम्मू कश्मीर का लीगल एक्सटेंशन समाप्त हो गया। दैट चैप्टर क्लोज। जम्मू कश्मीर बिकम भारत इंडियन डोमिनियन ऑन द वेरी डे ऑफ द 26 अक्टूबर, बिकॉज एक्सटेंशन वॉज द सोल प्रेरोगेटिव ऑफ द रूलर ऑफ द स्टेट। बहुत लोग कहते हैं कि माउंट बेटन ने एक पत्र लिखा, उस चिट्ठी के अंदर कहा दिस इज द पॉलिसी ऑफ अवर गवर्नमेंट, वी वुड असर्टेन द विशेस ऑफ द पीपल, देन द कंडीशन वुड बी नॉर्मल। हम जनता की इच्छाएं पूछेंगे। दैट लेटर इज नॉट अ लीगल डॉक्यूमेंट, दैट वॉज ओनली पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, दैट पॉलिसी वॉज फॉर द ऑल ऑफ द स्टेट। वो केवल जम्मू कश्मीर के लिए नहीं थी, वो हर स्टेट के लिए थी। हम में से जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट रहे हैं या जो पढ़ाते हैं उनको मालूम है, उसके लिए एक प्रोसीजर तय हुआ था, हर स्टेट में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी। दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड रेटिफाई द एक्सेशन, दैट वुड बी नोन एज असर्टेनिंग द विशेस ऑफ द पीपल। ये देश की हर स्टेट में हुआ, और वो अपने भारत, अपने जम्मू कश्मीर, अपने स्टेट के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी एक्सटेंड करेंगे। वो माउंट बैटन ने जो चिट्ठी लिखी थी वो चिट्ठी वैसे कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने पत्र लिखा उस पत्र के आधार के ऊपर हमको जो करना था, 1951 में असेंबली बनी, 6 फरवरी 1954 को जम्मू कश्मीर की असेंबली ने एक्सेशन का रेटिफिकेशन कर दिया। जनता की इच्छा को जानने का हमने जो वादा किया था वो कभी का पूरा। जैसे हर राजा ने प्रोक्लेमेशन करके भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को स्वीकार किया, 25 नवंबर 1949 को जम्मू कश्मीर के महाराजा ने भी प्रोक्लेमेशन करके जम्मू कश्मीर में भारत के संविधान को एक्सेप्ट कर लिया। जम्मू कश्मीर का इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, जम्मू कश्मीर का इंटीग्रेशन कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली ये कभी का पूरा हो गया। जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन बना उसका सेक्शन 3 कहता है
कि जम्मू कश्मीर इज एंड शैल बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ भारत। आर्टिकल 5 कहता है कि जम्मू कश्मीर की असेंबली को केवल उन्हीं विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है जिनके ऊपर पार्लियामेंट ने नहीं बनाए। पार्लियामेंट ने जितने बना दिए वो सब के ऊपर असेंबली कुछ कर नहीं सके। और आर्टिकल 147 कहता है, आर्टिकल 3, 5 and 147 कैन नेवर बी अमेंडेड, एब्रोगेटेड और रिवोक्ड। दुर्भाग्य क्या है कि जम्मू कश्मीर को लेकर जम्मू कश्मीर का इंटीग्रेशन कंप्लीट है। मैंने जैसे कहा कि पाकिस्तान ने कभी क्लेम नहीं किया हमारे पास। आप पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन उठाइए, उस कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्स्टिट्यूशन में 6 स्टेट स्कूल है, उसमें जम्मू कश्मीर नहीं है। आप इस्लामी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनवा, बलूचिस्तान, फेडरल एडमिनिस्ट्रेट ट्राइबल एरिया, यूनियन टेरिटरी ऑफ इस्लामाबाद, स्टेट टेरिटरी है, साथ में टेरिटरी नहीं है। जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान ने कभी क्लेम नहीं किया। यूएनओ का रेजोल्यूशन साफ कहता है कि पाकिस्तान का आना इलीगल है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री से था व्यक्ति एक ही बात कहेगा कि हम पाकिस्तान से डिस्प्यूट से बात करने के लिए डिस्प्यूट लाइज इन आवर। हमारे दिमाग में बैठा होता है, जहां जाता हूँ अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग मेरे से कहते हैं जन्म संग्रह हो गया, तो मैंने कहा जन्म संग्रह क्यों होगा, उन्होंने कहा यूएनओ में कभी यूएनओ में कभी संग्रह नहीं किया। हम यूएनओ के अंदर यूएन चार्टर आर्टिकल 35 के अंतर्गत सिंपल एक कंप्लेंट भेजे थे, ऑन ए कंप्लेंट ऑफ एग्रेशन। हम लोग कंप्लेंट ने कहा हमारी जमीन पे एग्रेशन हो गया, अपनी जमीन को खाली कराने का हमें अधिकार है। हम वहां पर जब गए देखा कि वो कबायली नहीं है, दैट कबायली एग्रेशन इज एबेटेड बाई सपोर्टेड बाई पाकिस्तान। क्या करना है, तो खाली कराना पड़ेगा, पाकिस्तान में एंटर करना पड़ेगा, फुल ब्लड वार होगी, हम युद्ध डालना चाहते हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपनी ताकत का इस्तेमाल कीजिए, प्रभाव का इस्तेमाल कीजिए और पाकिस्तान से हमारे एरिए को लेकर। कुल मिलाकर पाकिस्तान ने दो रेजोल्यूशन, यूएनओ में दो रेजोल्यूशन हुए, दो प्रस्ताव आए, 6 बातें कही थी करने के लिए। पहली बात कही गई अनकंडीशनल विड्रॉवल ऑफ फोर्सेज इन डिग्री सेंट और मेंटेन बाई पाकिस्तान ऑन द सरेंडर गेम। पाकिस्तान को पाकिस्तान के आने को उन्होंने अवैध माना। अगर डिस्प्यूट होता तो वो कहते कि पाकिस्तान भारत दोनों सेना है। हमने उनसे कहा आपका सेना से क्या मतलब है, उन्होंने कहा सेना का मतलब है वहां जो बीजेपी के नाम से गवर्नमेंट बन गया, आर्मी बन गया, उसको भी हटा दिया जाए। तीसरी बात कही गई कि जो वहां पर लोग वहां से अप्रूव हो गया, विस्थापित हो गए हैं, वो अपने घरों को वापस जाएंगे। चौथी बात कही गई इंडिया वुड मेंटेन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फोर्सेज। भारत वो सेना रखेगा, किसी सेना रखेगा, भारत रखेगा। बहुत दोनों के मन में जो इन्होंने प्लेटिफाइड करना था, ऐसा नहीं था। हमने कमिटमेंट की, हमने कहा था कि हमने अपने लोगों की इच्छा जानने का वादा किया है। यूएसओ ने कहा आप इच्छा जानने के लिए क्या करने वाले हैं, हमने कहा हमने भी प्रोसीजर तय नहीं किया। उन्होंने हमसे सवाल किया प्लेटिफाइड करा सकते हैं क्या, हमने कहा करा सकते हैं। उन्होंने कहा दुनिया को लगे निष्पक्ष है तो अगर हम प्लेबिसाइड कमिश्नर की नियुक्त कर दे उसकी देखरेख भी हो सकता है क्या। हमने कहा हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन वो प्लेबिसाइड हमको करना है, यूएनओ को प्लेबिसाइड नहीं करना। यूएनओ ने कमिटमेंट ली कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट प्लेबिसाइड कराएगी, भारत की सेना वहां पे रहेगी, उसकी देखरेख में होगा, केवल उसके सुपरविजन के लिए एक यूएन का प्लेबिसाइड कमिश्नर होगा। ये हमको हमने कहा था हमारा इंटरनल वादा है। जब ये आ गया तो भारत के प्रधानमंत्री ने आखिरी बात उनको लिखित में कही डॉक्टर लोधानो सिक्योरिटी काउंसिल चेयरमैन के सामने कि आपने एक प्रस्ताव रखा है, भारत पाकिस्तान दोनों के सामने रखा है, इस प्रस्ताव के 3 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 इज सीज़फायर, पार्ट 2 इज ट्रूथ, पार्ट 3 इज प्लेबिसाइट। पाकिस्तान हैज टू एक्सेप्ट पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पाकिस्तान हैज टू एक्सेप्ट पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एंड इंप्लीमेंट आल्सो। इफ पाकिस्तान डज नॉट एक्सेप्ट एंड डज नॉट इंप्लीमेंट देन पार्ट 3 वुड नॉट बी बाइंडिंग फॉर अस। हमने उनको स्पष्ट किया, उन्होंने एक प्रस्ताव किया था हमारे, कोई समझौता नहीं हुआ, उन्होंने प्रस्ताव रखा। उस प्रस्ताव के अंदर जब उन्होंने कहा डॉक्टर लोधानो सिक्योरिटी काउंसिल चेयरमैन एक्सेप्ट द पॉइंट मेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा अगर पाकिस्तान पार्ट 1 पार्ट 2 इंप्लीमेंट करता तो पार्ट 3 बाइंडिंग नहीं रहेगा। 1952 तक प्रयास चलता रहा, 1952 तक भी यूएनओ कुछ नहीं कर पाया, यूएनओ ने करना ही नहीं था। वास्तव में तो विलय को समाप्त करना चाहते थे, जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करना चाहते थे। वो एक ब्रिटिश यूएस डिप्लोमेसी थी। आप में से जिनका पढ़ने का इंटरेस्ट है, बहुत अच्छी पुस्तक है, उसका नाम है कश्मीर द ओरिजिन ऑफ डिस्प्यूट 1947, 2 वर्जन ऑफ हिस्ट्री, प्रेम शंकर झा हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर रहे, उनका एक ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन है, वेल रिसर्च बुक है जम्मू कश्मीर पर, आपको सारी ब्रिटिश यूएस डिप्लोमेसी उसमें ध्यान आएगी, उसको पढ़िए जरूर।
दूसरा नेट के ऊपर एक बड़ा डॉक्यूमेंट उपलब्ध है, डी के कृष्णा मेनन का 1957 का भाषण है, 22 जनवरी 1957। उस भाषण को पढ़ने पर आपको सब प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। हमने कहा कि हम ये दुनिया की ब्रिटिश यूएस डिप्लोमेसी का शिकार नहीं होने वाले, हमारी ओर से विषय समाप्त। कारण पाकिस्तान तब तक दो पैक्ट हो गए थे वर्ल्ड में, बर्दाद और सेंटो पैक्ट, उसमें उनका एलआई बन गया था। 12 देश सिक्योरिटी काउंसिल में थे जिनके वो एलआई बन गए थे। हमने कहा नो अवर इश्यूज कंप्लीट, हम अपने समस्या का खुद समाधान करेंगे। 1953 से लेकर 57 तक 64 टाइम्स सिक्योरिटी काउंसिल में प्रस्ताव रखे गए, रशिया ने हमारे पक्ष में वीटो किया। 57 और 64 में दो आखिरी डिबेट हुई और 71 के शिमला एग्रीमेंट के बाद तो भारत पाकिस्तान ने तय कर लिया कि हम जो कुछ तय करेंगे अपने बायोलेटरल अरेंजमेंट के अंतर्गत। आप यूएन जनरल सेक्रेटरी से किसी से पूछिए क्या जम्मू कश्मीर को लेकर कोई विषय है क्या, वो कहेगा कि जम्मू कश्मीर को लेकर कोई डिस्प्यूट यूएनओ में नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में मेरे से हर आदमी पूछता है प्लेबिसेट हो गया तो क्या होगा, तो प्लेबिसेट कहां है, प्लेबिसेट यूएनओ में नहीं है, प्लेबिसेट हम सबके मन में बैठा होगा। इस डिस्प्यूट का दिमाग से निकाल दीजिए। और तीसरी बात जो निकालने की अपने दिमाग से है कि जम्मू कश्मीर को कुछ विशेष दर्जा मिला है। आर्टिकल 370 भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 21 में है, उसका हेडिंग है टेम्परेरी ट्रांजिशनल। जिस समय 47 में 50 में कॉन्स्टिट्यूशन बना था टेम्परेरी ट्रांजिशनल था, 63 में उसने हेडिंग जोड़ा स्पेशल प्रोविजन, 63 में अमेंडमेंट हुआ। उस अमेंडमेंट के अंदर कहा कि हमने नागाओं के साथ एक समझौता किया है, उस नागा एग्रीमेंट के अंतर्गत 371A के अंतर्गत हम उनको कुछ स्पेशल राइट्स देना चाहते हैं, कुछ प्रिविलेजेस देना चाहते हैं, कुछ उनके कस्टमरी राइट्स को हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उसके लिए हम ये अमेंडमेंट कर रहे हैं और स्पेशल शब्द जोड़ रहे हैं। आर्टिकल 370 पर आज भी लिखा गया है टेम्परेरी प्रोविजन फॉर द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। बेसिकली आर्टिकल 370 के अंदर तीन प्रोविजन है, उसको कोई भी पढ़ेगा तो उसको ध्यान में रहेगा। आर्टिकल 370 और कुछ नहीं है, दैट इज एन एडिशनल लेजिस्लेटिव प्रोविजन फॉर एक्सटेंशन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन इन J&K। जम्मू कश्मीर में भारत के संविधान को लागू करने का एक माध्यम था आर्टिकल 370, इससे अधिक नहीं था। धारा 370 का दो झंडे होंगे, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन होगा जम्मू कश्मीर के को लेकर, और वहां देश का व्यक्ति जाकर जमीन नहीं खरीद सकता, वोट नहीं दे सकता, इन सब बातों का आर्टिकल 370 से ओरिजिनली कोई लेना देना नहीं था। यह हुआ था आर्टिकल 370 के अंतर्गत। तो आप कहेंगे फिर ये सब क्या हो गया, हम तो इतने दिन तक नारा लगाते रहे धारा 370 हटाओ, धारा 370 ही जम्मू कश्मीर की सब समस्याओं की जड़ है, ये हम बात कहते रहे। ये दोनों बातें ठीक है, धारा 370 को हटाना जम्मू कश्मीर के लिए बहुत जरूरी है और धारा 370 ही जम्मू कश्मीर के लिए समस्या की जड़ बन गई, लेकिन वास्तविकता क्या है। आर्टिकल 370 हटाओ जब हम कहते हैं तो धारा 370 की क्लॉज 3 में लिखा है कि धारा 370 को हटाना, उसके टाइटल में लिखा है टेम्परेरी है, उसका उद्देश्य था जम्मू कश्मीर में भारत के संविधान को लागू करना, लेकिन वो जो संविधान को लागू करने वाली धारा थी वो संविधान को रोकने का माध्यम बन गई। दैट इज ड्यू टू ए पॉलिटिकल फ्रॉड दैट हैज बीन डन इन इंडिया इन लास्ट 65 ईयर्स अंडर द कवर ऑफ दिस आर्टिकल 370 विद कॉन्स्टेंट एंड कंसिस्टेंट एब्यूज ऑफ आर्टिकल 370। आज धारा 370 का संवैधानिक दुरुपयोग हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन अजीत हुआ है। इस विषय को लेकर हमारे यहाँ बहुत गहराई से इस पर रिसर्च चल रही है, पहली बार हम उसके सामने पब्लिक के सामने इस विषय को एक बड़े ढंग से लाने वाले हैं। दिल्ली में एक दो दिन का बड़ा सेमिनार करने वाले हैं हम लोगों के सामने। मैंने एक बहुत बड़े संविधान के विशेषज्ञ के पास मैंने उनसे सवाल किया कि क्या भारत के राष्ट्रपति को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की पावर है क्या, मेरे से कहने लगे मतलब। मैंने कहा भारत का राष्ट्रपति ऑन हिज ओन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकता है क्या, उनने कहा कि कैसे कर सकता है, अमेंडमेंट का एक प्रोसीजर है, हमारा अमेंडमेंट का एक प्रोसीजर है, उसके अंदर कोई भी रिजल्ट प्रस्ताव आएगा संबंधित मंत्रालय लॉ मिनिस्ट्री को भेजेगा, उसके बाद वो पार्लियामेंट में आएगा, पार्लियामेंट के अंदर अधिक से अधिक सिलेक्ट कमेटी में भेज सकते हैं, पार्लियामेंट पारित करेगी, पारित होने के बाद प्रेसिडेंशियल ऑर्डर होगा, देन दैट बिकम पार्ट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने उनको कहा कि एटलीस्ट 4 टाइम्स इस देश के अंदर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ है अंडर द कवर ऑफ आर्टिकल 370। एकदम वो हैरान हो गए, कहने लगे कोई आप बात बता सकते हैं। मैंने कहा मैं आपसे आर्टिकल 35A के बारे में राय लेना चाहता हूं, मैं इस विषय को लेकर बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के जजेस से भी मिला हूं, सबसे मिला हूं, कहीं भी बैठता हूं। मैंने उनसे कहा मैं आपसे आर्टिकल 35A पे डिस्कस करना चाहता हूं, कहने लगे देयर इज नो आर्टिकल 35A इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने कहा नहीं, आर्टिकल 35A तो हमारी समस्या की जड़ है, ये जो हिंदुस्तान का व्यक्ति जमीन वो नहीं खरीद सकता, ये सब दैट इज एडिशन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 370। उन्होंने कहा 35 समाल है और कैपिटल है,
मैंने कहा कैपिटल है। उन्होंने फिर मेरे से कहा, उन्होंने कहा कि मैं आपको भी अथॉरिटी कह रहा हूं, देर इज नो आर्टिकल 35 कैपिटल है। कॉन्स्टिट्यूशन मंगाया, तुरंत मंगाया, उसको देखने लगे, कहने लगे कहां है। मैंने कहा पीछे कनेक्टर है, आप लीजिए, फादर स्टेट ऑफ जे एंड के। वो अनेक्टर देखा तो वहां 35 कैपिटल ए था। बाद में मेरे से कहने लगे कि मेरे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के जानकार व्यक्ति को 40 साल बाद ये पता लग रहा है तो देश की हालत क्या होगी। मैंने उनको बताया कि ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर सुना है सारे के साथ, हाउ डिड इट कम, देश के अंदर जम्मू कश्मीर को लेकर, धारा 370 को लेकर एक दिमाग में लोगों को बैठ गया। जम्मू कश्मीर में धारा 370 आप जो मर्जी करो, वो जो मर्जी करें, हमने ये मान लिया वो जो करे वो कर सकते हैं क्योंकि उनको विशेष दर्जा था। बेसिकली आर्टिकल 370 का जो पर्पज था उसको समझकर काम करने की, देश के अंदर एक डिबेट फ्री करने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर या आर्टिकल 370 या हिंदू मुसलमान बीजेपी कांग्रेस का विषय नहीं है। देश के अंदर सिर्फ 65 इसको लेकर बड़ा कंसेंसस था। 64 में पार्लियामेंट में बड़ी जबरदस्त डिबेट हुई, धारा 370 को हटाने को लेकर एक प्रस्ताव रखा गया, उसके अंदर 27 एमपी ने भाषण दिए, आपके कर्नाटक के हनुमंत अय्यर सहित 27 के 27 लोगों ने धारा 370 को हटाने के लिए भाषण दिया, 17 कांग्रेस के थे, 5 जम्मू कश्मीर के सांसद थे। उसके अंदर भाषण देने वालों के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी के सरयू पांडे भी थे, समाजवादी पार्टी के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी थे। हर व्यक्ति ने 370 को हटाने के लिए भाषण दिया। उस दिन संसद में 370 हट जाती। हमारे होम मिनिस्टर ने कहा, उनने कहा कि देखिए मैं संसद के सब सदस्यों की भावना मेरे समझ में आ गई है, मैं आपकी भावना सहमत हूं, ये 370 हटाना चाहिए, दिस इज ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, आप जिस प्रोसीजर से कर रहे हैं प्रोसीजर ठीक नहीं है। एकदम सारी संसद में सब पार्लियामेंटेरियन खड़े हो गए। उन्होंने कहा आप क्या कह रहे हैं, प्रोसीजर क्या ठीक नहीं है। उन्होंने कहा प्राइवेट मेंबर बिल है, इसका प्रोसीजर जरा अलग है। उन्होंने कहा सारी संसद जब एक मत आकर खड़ी होकर कह रही है तब आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। उन्होंने कहा देखिए प्रस्ताव को लेकर हम वहां की सरकार से भी कुछ करना चाहते हैं, आप थोड़े दिन रुक जाइए। सारी पार्लियामेंट में फिर विद्रोह का हो गया, लोग बहुत एक मत थे हटनी चाहिए 370। आखिर में स्पीकर ने इंटरवेंट किया, उन्होंने कहा आप होम मिनिस्टर की बात पर विश्वास कीजिए। उन्होंने कहा विश्वास कैसे करें, 14 साल हो गए ये हटी नहीं रही, और इसकी क्लॉज 3 में लिखा है। उन्होंने होम मिनिस्टर से कहा कब तक कर सकते हैं, उन्होंने कहा आप चिंता मत कीजिए 6-8 महीने में आप देखिएगा। उन्होंने कहा ठीक है 6-8 महीने भी हम इंतजार कर लेंगे। ये भी सब हुआ, प्रकाश वीर शास्त्री जिन्होंने प्रस्ताव रखा था उनको फिर भरोसा नहीं, वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा भारत की पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में ऐसे दिन बहुत कम है कि जब किसी विषय के ऊपर पूरी पार्लियामेंट एक मत है, ऐसा ना हो ये दिन चला जाए और बाद में फिर इतिहास हमको माफ नहीं करे और ये धारा 370 वही की वही रह जाए। मैं इस बात को होम मिनिस्टर के आश्वासन को स्वीकार नहीं करता, मैं वोट डिविजन मानता हूं। कांग्रेस में खलबली मच गई, नेतृत्व में खलबली मच गई, सब लोगों ने कहा कि वोट डिवीजन आ गया तो सबने कहा करिए वोट डिवीजन कीजिए। कांग्रेस ने एकदम व्हिप जारी किया, उस व्हिप जारी करने के कारण से कांग्रेस के सांसद मजबूर हुए। वो 370 को हटाने के लिए वोट नहीं किया उन्होंने, लेकिन जिन्होंने रिकॉर्डेड वोट पार्लियामेंट के अंदर 370 हटाने के लिए उस दिन किया, उसमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे, मधुली में थे, कम्युनिस्ट पार्टी के हीरेन मुखर्जी थे, सरयू पांडे थे, एसएम बेनर्जी थे, सीपीएम के बाद में वो सांसद रहे, ये सब लोग वहां पर थे। बाकी सब पार्टियों के तो थे ही थे एक्सेप्ट कांग्रेस, हर पार्टी के सांसद ने 370 हटाने के लिए वोट किया। बेसिकली आर्टिकल 370 को लेकर समय के साथ धीरे धीरे करके कंफ्यूजन करते हैं। देश के अंदर इस विषय को लेकर ठीक से धारणा आनी चाहिए। ये जो 3 झूठ है जिसके आधार के ऊपर जम्मू कश्मीर के अंदर सारा सेपरेटिज्म कल्टीवेट किया गया है, ये लोगों के दिमाग से हटना चाहिए। जम्मू कश्मीर इज नॉट ए सेपरेटिस्ट है, जम्मू कश्मीर इज नॉट ए डिस्प्यूट, जम्मू कश्मीर डज नॉट हैव स्पेशल स्टेटस और एनी सॉर्ट ऑफ ऑटोनॉमी अंडर आर्टिकल 370। ये देश के दिमाग से निकलनी चाहिए। दो बातें जो और छोटी छोटी समझने की है, हु आर द रियल विक्टिम्स इन जेएंडके, जम्मू कश्मीर के वास्तविक पीड़ित कौन है। दुर्भाग्य जम्मू कश्मीर का यह है कि जम्मू कश्मीर के दर्दों को समझता है, देश को मालूम नहीं। जम्मू कश्मीर के अंदर भारत के संविधान की केवल 260 धाराएं लागू है, 134 धाराएं लागू नहीं है। परिणाम क्या है, सारे देश की राजनीति का फोकस है एससी एसटी एंड ओबीसी, जम्मू कश्मीर में ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं, उसका प्रोविजन ही लागू नहीं। 91 तक वहां एससी 18% एससी है, एसटी को रिजर्वेशन नहीं था। अभी एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट का रिजर्वेशन हो गया, पॉलिटिकल रिजर्वेशन आज भी नहीं है। 18% पॉपुलेशन है, एसटी का पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं। कश्मीर वैली में 2007 तक एसटी को रिजर्वेशन नहीं था, सुप्रीम कोर्ट का केस जीतने के बाद हमने लागू कराया,
2010 में लेजिस्लेशन करके कश्मीर वैली में उसको फिर रोकने की कोशिश की उसने, जम्मू कश्मीर के अंदर वहां की महिलाओं को देश की बाकी महिलाओं की तरह के सब अधिकार नहीं है, जेंडर वाइज है वहां का सिस्टम। उस जेंडर वाइज सिस्टम के अंदर वहां की बेटी अगर बाहर शादी कर लेती है तो जम्मू कश्मीर में उसके अधिकार समाप्त हो जाते हैं। 2004 में सुप्रीम कोर्ट में केस जीतने के बाद हमने उसको अधिकार तो मिले, लेकिन उसके जो अधिकार है वो आगे ट्रांसफर नहीं हो सकते। वहां का पुरुष बाहर की किसी लड़की से शादी करता है और वहां रहता है तो वो बेटी जो आती है बाहर से वो वहां के अंदर सिटीजन बनती है, सिटीजन वहां की स्टेट सब्जेक्ट बनती है, रेजिडेंट बनती है। लेकिन वहां की बेटी अगर शादी करके बाहर के किसी व्यक्ति से वहीं रहती है तो वो उसका पति या उसके बच्चों को अधिकार नहीं मिल सकता। हमारी एक बेटी उत्तराखंड में शादी होगी उसकी, वो चली गई वहां की, दुर्भाग्य उसके साथ हुआ, वो विडो होगी, 8 साल बाद उसके पति की मृत्यु होगी, आर्मी में थे और मृत्यु भी कश्मीर में हुई थी, बेसिकली उत्तराखंड के, तो 8 साल बाद विडो हो गई, 2 बच्चे थे, तो क्या करना था, वापिस आना पड़ा, माता पिता के पास आ गए, आने के बाद नौकरी कर ली, थोड़े दिन बाद उसके बच्चे बड़े होने शुरू हुए तो उसको मालूम क्या पड़ा कि मेरे पास जो प्रॉपर्टी है मैं अपने बच्चों को ट्रांसफर नहीं कर सकती और मेरे बच्चों को यहां पर जम्मू कश्मीर में पढ़ने का अधिकार नहीं है, मेरे को सामान्य एजुकेशन मिल सकती है, हायर एजुकेशन नहीं मिल सकती। कैसी स्थिति रही होगी आप कल्पना कर सकते। जम्मू कश्मीर के अंदर पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट लागू नहीं है, पूरा 23 वर्ष के अंदर डिलिमिटेशन होगा, जम्मू कश्मीर में नहीं होगा। कश्मीर का एरिया कम है, पॉपुलेशन कम है, वोट कम है, जम्मू का एरिया पॉपुलेशन वोट तीनों ज्यादा है। ऑटोमेटिकली उन्होंने डिसाइड कर दिया कि कश्मीर की 46 सीट होंगी, जम्मू की 37 होंगी, पूरा सब डिसाइड कर दिया, बांट लीजिए। कश्मीर में 58,000 वोट के ऊपर 58,000 वोट पर एक लेजिस्लेटिव असेंबली ठीक है, जम्मू में 83,000 वोट के ऊपर है, एरिया डबल है, टेरेन भी डिफिकल्ट है। जम्मू कश्मीर के अंदर वहां का जो नेशनलिस्ट व्यक्ति है वो पीड़ित है, विक्टिम है, हम उसको लैंड ऑफ रिफ्यूजीज कहते हैं जम्मू को। 1947 में वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट बंगाल से रिफ्यूजीज आए, सिंध पंजाब बंगाल जम्मू कश्मीर में भी आ गए, उनको वेस्ट पाक रिफ्यूजीज कहते हैं। उस समय 12,000 फैमिलीज आई, आज उनकी 2 लाख पॉपुलेशन, पूरे बॉर्डर के ऊपर आज भी 0 to 5 किलोमीटर के ऊपर आफ्टर 64 ईयर दे आर स्टिल इन कैंप। सारे हिंदुस्तान में पंजाब सिंध बंगाल से जो व्यक्ति आया था वो भूल गया कि मैं आया था, उसकी आने वाली पीढ़ियों को मालूम ही नहीं है, वो उस स्टेट के अंदर एसिमिलेट हो गया, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर आया, उनकी 4th जनरेशन है, उनको राइट टू वोट नहीं है, उनको राइट टू एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उनको राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है, वहां राइट टू हायर एजुकेशन नहीं है। आप हैरान होंगे, आप आइए आज भी पूरे बॉर्डर के ऊपर 200 कैंप्स है उनके। जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा एरिया पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, जिसको पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर कहते हैं, गिलगित बाल्टिस्तान बीरपुर मुजफ्फराबाद, 2 लाख पीपल वहां से अपरूट होकर आ गए इधर। जैसे वो आए हमारे गवर्नमेंट ने उनको कहा यू आर नॉट रिफ्यूजीज, दोज आर आवर पास, यू आर इंटरनली डिस्प्लेस, वो हमारे एरिया है, आप रिफ्यूजी नहीं है, यू आर इंटरनली डिस्प्लेस। उन्होंने कहा वी कैन नॉट सेटल यू एज इक्वल टू ऑल द रिफ्यूजीज फ्रॉम पंजाब एंड बंगाल, अगर हम आपको सेटल कर देंगे तो हमारा क्लेम समाप्त हो जाएगा, हमारा दावा से समझ जाएगा। बड़े नेशनलिस्ट लोग थे, विश्वास कर लिया, उन्होंने कहा वापिस जाएंगे हम बाद में। उनको 56 बड़े बड़े कैंप में बता दिया गया, 64 ईयर बाद वो कैंप में। आज 10 लाख पॉपुलेशन है, 10 रूरल एरिया सेटल, उनके लिए कुछ ना कुछ काम नहीं किया, विचार ही नहीं किया। 71 की शिमला भारत पाकिस्तान का युद्ध जीत लिया गया, शिमला एग्रीमेंट के बाद इन सबके मन में बहुत अच्छा लगी, अब तो शायद हम वापिस जाएंगे अपने घरों के अंदर। वापिस तो क्या जाना था, थोड़े एरिया और दे दिए गए उनको, सबका एरिया दे दिए गया, 18,000 एकड़ जमीन दे दी गई, 1 लाख लोग और विस्थापित हो, 1 लाख पीपल, वो तो शिमला एग्रीमेंट में हुए, इंटरनेशनल एग्रीमेंट में हुए, 71 में हुए। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा हम इन सबको सहयोग करेंगे, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब डिस्प्लेस रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी करके एक अथॉरिटी बनाई गई उनके लिए। 25 साल बाद वो अथॉरिटी बंद कर दी गई, क्या किया गया, उन 1 लाख पीपल को प्रति फैमिली पर फैमिली 5,000 रुपए दिया, जितना उनका लैंड था उनको कहा आपको उसके बदले में लैंड दे देंगे, किसी के पास 12 एकड़ लैंड था उनको कागज पर 12 एकड़ दे दिया, उनका आपको ये दे दिया 12 एकड़, ये 8 एकड़ दे दिया। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के पास गए, जेएनके गवर्नमेंट कहती है हमारे पास जमीन ही नहीं है, 40 ईयर छोड़ो उन लोगों को, किसी की 10 एकड़ लैंड था तो उसको 4 मिला, किसी को 6 मिला, किसी को 2 मिला। कश्मीर का हिंदू विस्थापित हुआ तो हम सबकी आंखों के सामने हुआ, 1991 में हुआ, थोड़ा मीडिया हाई प्रोफाइल था उस समय, उसकी रीच भी ज्यादा थी, देश के सब व्यक्तियों को पता लगा। लेकिन आज 22 ईयर्स बाद उनके मन में एक सवाल है, 22 साल बाद वो कश्मीर के हिंदू के मन में एक प्रश्न आता है कि कश्मीर का हिंदू कभी वापिस जाएगा क्या, और ये देश का आज मुख्य मुद्दा है क्या। इलेक्शन होते हैं, पार्टियां बनती है, मैनिफेस्टो जारी होते हैं, लेकिन कश्मीरी हिंदू के रिहेबिलिटेशन की कोई बात, वो विषय समाप्त हो गया।
20 लाख रिफ्यूजीज एंड डिस्प्लेस्ड पर्सन है जम्मू कश्मीर। टेररिज्म कश्मीर के बाद जम्मू रीजन के अंदर आ गया, 15 साल वो टेररिज्म रहा। जम्मू के जो नेशनलिस्ट लोग थे उसमें हिंदू भी थे, ये गुजर मुसलमान भी थे, ये पहाड़ी राजपूत थे, इन सब लोगों ने जबरदस्त टेररिज्म से लड़ाई लड़ी। मैंने ऐसे घर देखे हैं जिन घरों में 5-5 विधवाएं हैं, सबसे बड़ी विधवा की उम्र 40 साल की। आप कल्पना कर सकते हैं ये जो टेररिज्म की लड़ाई है ये केवल आर्मी ने नहीं जीती, वहां के देशभक्त लोगों ने जीती है। 10-10 साल स्कूल नहीं खोले उन इलाकों में, 15-15 साल वहां को डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। लेकिन दुर्भाग्य से भारत सरकार ने उनके लिए कभी कोई पॉलिसी नहीं, वहां सरेंडर टेररिस्ट के लिए पॉलिसी बनती है, स्टोन पैटर्स के लिए पॉलिसी बनती है। वो जो 20 साल पहले आतंकवाद की ट्रेनिंग लेने के लिए 25 साल पहले वहां चले गए, आज उन्होंने शादियां कर ली, उनके बच्चे हो गए, वो वापिस आए तो उनको सेटल करने के लिए पॉलिसी बनती है। लेकिन इन टेरर अफेक्टेड लोगों के लिए कोई विचार वही होता। और वहां के जम्मू कश्मीर के देशभर व्यक्ति का दर्द यही है कि हमारी इस व्यथा को हिंदुस्तान में कुछ समझता है। देश ने नारे बोल लगाए जम्मू कश्मीर के, लेकिन वहां के देशभर के लोगों के लिए काम नहीं किया। 2800 किलोमीटर बॉर्डर है जम्मू कश्मीर का, उसमें 2400 किलोमीटर LOC है, क्या वो 400 किलोमीटर बॉर्डर इंटरनेशनल बॉर्डर है? 2400 किलोमीटर डिमार्केटिंग बॉर्डर नहीं है। 64 ईयर्स में चार बड़े युद्ध हुए, 47, 65, 71 और कारगिल के समय में 20 साल का आतंकवाद से लड़ाई लड़ा, 62 का चीन का युद्ध हुआ। बॉर्डर पर रहने वाला व्यक्ति एक बार जब LOC पर युद्ध होता है तो 7-8 साल उसको कैद में आना पड़ता है। मैं बहुत बार बॉर्डर के गांव में जब जाता था, आप बॉर्डर की कल्पना नहीं कर सकते। मैं एक गांव के अंदर गया, पलावला गांव था, उस पलावला गांव के व्यक्ति ने मेरे से कहा, करुण जी काम कर सकते हैं? मैंने कहा क्या बात? उन्होंने कहा मेरे मन में एक आता है प्रश्न, हमारी कोई जिंदगी है क्या? मैंने आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? उन्होंने कहा मैं अपनी 65 साल की जिंदगी में मैंने 24 साल कैंपो में गुजारे, 4 बार विस्थापित हुआ मैं, 1 बार विस्थापित होने के बाद 6-7 साल बाद वापिस आने का मौका नहीं मिलता। जिंदगी में एक बार घर छोड़ के जाना पड़े किसी को तो समझ नहीं आता, एक गांव से शहर में आकर सेटल होने में पूरी जिंदगी बीत जाती है। वो 4 बार रिसीव हुआ। उन्होंने कहा मेरी तो किस्मत में लिखा था, मुझे लगता है कि मेरे साथ जो होना था हो गया, मेरे बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए। आप एक काम कर सकते हैं क्या, मेरे बच्चे के लिए कुछ कर सकते हैं क्या? मैं उसको कुछ उत्तर नहीं दे सकता था, मेरे पास उत्तर था भी नहीं, देना भी होता तो मेरे पास एक ही उत्तर था, भगवान की इच्छा थी इसे तुम्हें पलावाला में पैदा किया, और इस जिंदगी में तुम्हारी किस्मत में कष्ट लिखे थे इसलिए पलावाला में पैदा किया। भगवान की इच्छा होती तुम सुख से रहो तो शायद मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में पैदा करता, ये कहता था उसको। और तो मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि मुझे पता था पलावाला तब तक हिंदुस्तान है जब तक वो पलावाला है। अगर वो उसका बच्चा भी पलावाला छोड़कर आ गया तो वो हिंदुस्तान रहने वाला नहीं, पलावाला में इंडस्ट्री कोई लगनी नहीं, बिजनेस कोई होना नहीं, आखिर कौन नहीं जाता मेरा बच्चा पढ़ लिख के अच्छी स्थिति में पहुंचे? किसके मन में कल्पना नहीं? हम उसको देशभक्ति की गुट्टी पढ़ाते रहेंगे, हम उसको कहेंगे देखिए देश के लिए कीमत किसी को तो देनी है। हर व्यक्ति कहता है मैं तो दे दूंगा, मेरे बच्चे को भी सब करना पड़ेगा क्या, उसके बच्चों को भी ये करना पड़ेगा क्या? मेरे मन में एक सवाल आता है, पलावाला में जब तक हुआ है तब तक वो हिंदुस्तान है, हम कब सुख की नींद सो सकते हैं? जब तक वो पलावाला में बैठा तो कष्ट भोग रहा है, लेकिन क्या हिंदुस्तान के अंदर रहने वाला व्यक्ति उस बॉर्डर पे रहने वाले व्यक्ति के दर्द को समझता है क्या? दुर्भाग्य से जम्मू कश्मीर के दर्द को देश में कुछ समझता नहीं, इसको समझने की जरूरत है। हुआ था ये व्यक्ति 65 साल में पीड़ित कौन है, किनके लिए काम करना है? और दूसरा इशू जम्मू कश्मीर में है, इशू जम्मू कश्मीर के जो इससे पाकिस्तान चीन के कब्जे में वो है। वी हैव टू चेंज द डिस्कोर्स, जम्मू कश्मीर का डिस्कोर्स बदलना है। हुआ था ये विक्टिम, और दूसरी बात इशू जो है दैट इज नॉट जम्मू कश्मीर, इशू इज दोज एरिया दैट आर इन प्रेजेंटली इन ऑक्यूपेशन ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना। 2 साल पहले हमने पहली बार एक कॉन्फ्रेंस की थी दिल्ली में ऑन द एरिया प्रेजेंटली इन ऑक्यूपेशन ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना। मैं एक बहुत बड़े सीनियर IFS के पास गया, मैंने कहा आप उसकी अध्यक्षता करने की है। उन्होंने कहा कोर इशू क्या है? मैंने कहा कोर इशू है जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ गिलगित एंड बाल्टिस्तान। उन्होंने मेरे से कहा आप इतना गिलगित बाल्टिस्तान पर क्यों फोकस करना चाहते हैं? मैंने उनको कहा, मैंने कहा बाकी तो बहुत सारी बातें आप सेमिनार में आएंगे, कुछ आप लोगों से सुनेंगे, कुछ बाकी एक्सपर्ट्स भी हम बुलाएंगे, लेकिन मैं केवल आपको एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। गिलगित इज द प्लेस वेयर 6 एम्पायर्स मीट। आज नक्शा नहीं तो मैं आपको दिखाता वो कि गिलगित क्या है। मैंने बोला गिलगित इज द प्लेस वेयर 6 एम्पायर्स मीट। उन्होंने मेरे से कहा क्या कहना है आपका, मतलब मैं समझा नहीं। वो IFS से कई देशों में राजदूत रहे थे। मैंने उनको कहा कि भारत का नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर के ऊपर सबसे जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, वर्ल्ड का मोस्ट स्ट्रेटेजिक पॉइंट है गिलगित, जिसको लेकर दुनिया की सब लड़ाइयां हैं, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, जो टिल 90 तक रशिया था,
चाइना का इंडिया और तिब्बत छह देश एक जगह आकर मिल जाते हैं। दुनिया में इतना सेटलिंग पॉइंट वही हिंदुस्तान के इतिहास से हिंदुस्तान पर जितने आक्रमण हुए, पहला आक्रमण सिकंदर से लेकर ईसा से 326 साल से लेकर, वो सबके सब गिलगित पर हुए, गिलगित से हुए। ब्रिटेन ने आक्रमण नहीं किया था, वो व्यापार करने आए थे, यहां की परिस्थिति का लाभ उठाकर राजा बने। भारत के इतिहास का सत्य है, भारत को सुरक्षित रहना तब शत्रु को हिंदू कुश के पास रहना है, हमारा फ्रंटियर वहां तक थे। ये बात चंद्रगुप्त और चाणक्य समझते थे, चाणक्य तक्षशिला में पढ़ाता था। यूनानियों का आक्रमण हुआ, सीमा पर मुकाबला कोई हो सका, सारे हिंदुस्तान में उन्होंने देखा कि एक समय देश को संगठित करने की जरूरत है, नेतृत्व कौन कर सकता है, मगध का साम्राज्य दे सकता है, राजा निकम्मा है। तक्षशिला से चलकर वो मगध तक आए, वहां का राजा बदला, चंद्रगुप्त के नेतृत्व में राजाओं का संगठन बनाकर उन्होंने यूनानियों को परास्त किया। कहां किया? आज के वजीरिस्तान में। उसके बाद नियमित रूप से वो जो मगध का मौर्य एम्पायर था उसकी एक जो टुकड़ी थी वो कश्मीर में। श्रीनगर की स्थापना शहर की अशोक ने की थी, सम्राट अशोक ने की थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शकों का जो मुकाबला किया आज के बाल्टिस्तान में किया था, वो मथुरा आगरा में हुआ। भारत के पूर्व समझते थे भारत को सुरक्षित रहना है तो शत्रु सीमा के उस पार रहना है। आज के एज ऑफ इन्फॉर्मेशन में पढ़े लिखे लोग भी समझते हैं, भारत बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की बात कर रहा है। आर्थिक शक्ति को बनना तो हमको गिलगित चाहिए। जब भारत सोने की चिड़िया थी, दुनिया में हमारा व्यापार चलता था, वो थ्रू सी नहीं चलता था, थ्रू लैंड चलता था, इसको सिल्क रूट कहते हैं। गिलगित से 1000 किलोमीटर पर बाई रोड ईरान है, गिलगित से बाई रोड दुबई 2000 किलोमीटर है, गिलगित से बाई रोड मुंबई जो है 2800 किलोमीटर है, और गिलगित से बाई रोड मास्को 3500 किलोमीटर है, और गिलगित से बाई रोड चेन्नई 3800 किलोमीटर है, और गिलगित से बाई रोड लंदन 5200 किलोमीटर है। अभी पिछले साल लंदन से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को एक बस प्रपोज किया है फ्रॉम लंदन टू मीरपुर, 7 दिन में पहुंचेगी। उन्होंने कहा एक बस सर्विस शुरू करना चाहते हैं। आज भारत को बड़ी आर्थिक शक्ति बनना है, हमारा कोई सेंट्रल एशिया में व्यापार नहीं है। आज रशिया को हमको व्यापार करना होता तो समुद्र से पूरा हिंद महासागर रेड सी को पार करके अटलांटिक में जाकर हम रशिया तक माल पहुंचाते हैं आर्कटिक होकर। इतना बड़ा अगर ये लैंड रूट होता तो 7 दिन में भारत माल बाई रोड जाता। आज इंटरनेट वाटर रिसोर्सेज की बात चल रही है, तिब्बत पे कब्जे होने के बाद वाटर रिसोर्सेज का बड़ा महत्व बढ़ गया है। इंटरनेट वाटर रिसोर्सेज तिब्बत के बाद केवल गिलगित बाल्टिस्तान में, भारत की हाईएस्ट 10 पीक जो हम अपनी ज्योग्राफी में पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, उनमें से एक जो बिगेस्ट पीक हाईएस्ट पीक है वो गिलगित बाल्टिस्तान, वो हमारे पास नहीं है, वो हमारे कब्जे में नहीं है। एनर्जी सिक्योरिटी की बात चल रही है, आप गैस पाइपलाइन बिछाने की बात कर रहे हैं, तजाकिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया, तजाकिस्तान भी तैयार, अफगानिस्तान भी तैयार, पाकिस्तान तैयार नहीं है। अगर गिलगित हमारे पास होता तो हमको किसी से बात करने की जरूरत नहीं। दुनिया की सबसे अधिक गोल्ड माइन ये गिलगित के अंदर। भारत का मोस्ट स्ट्रेटेजिक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट गिलगित बाल्टिस्तान है। हिंदुस्तान को एक बड़ी शक्ति बनना है तो हमको गिलगित बाल्टिस्तान चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से इस देश के लोग गिलगित बाल्टिस्तान के महत्व को नहीं समझते। सारी दुनिया समझती है, कभी गिलगित के अंदर ब्रिटेन और यूएस बैठना चाहते थे, कभी रशिया बैठना चाहता था, कभी गिलगित के अंदर ये सब बैठना चाहते थे, आज चाइना बैठना चाहता है। गिलगित के महत्व को चाइना समझता है, रशिया समझता है, अमेरिका समझता है, ब्रिटेन समझता है, दुनिया की सब शक्तियां समझती है, केवल उनको छोड़कर जिनका गिलगित। हमने वो गिलगित के लीडर को बुलाया था उस कॉन्फ्रेंस के अंदर, उससे भाषण की शुरुआत यहीं से की, वी आर द फॉरगॉटन पीपल ऑफ द फॉरगॉटन लैंड ऑफ भारत। हम वो लोग हैं जिन लड़ाकों को भी लोगों ने बुला दिया, उनके लोगों को भी बुला दिया। मैं कभी कभी गिलगित कहता हूं तो लोग मेरे से पूछते हैं कुछ चिड़िया है क्या। जम्मू कश्मीर को लेकर हमको डिस्कोर्स बदलना है, देश के अंदर हुआ द रियल विक्टिम और इंपॉर्टेंट जम्मू कश्मीर नहीं है, दुनिया के फोरम के ऊपर पीओजे के और सीओजे के ये इशू बनना चाहिए। और एक आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात पूरी करूंगा, फिर आप कुछ पूछना चाहेंगे तो पूछेगा। जम्मू कश्मीर को लेकर देश के अंदर एक अवेयरनेस खड़ी करने की जरूरत है, एक कंसेंसस बनाने की जरूरत है। दिस इज एन इशू ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, अपने देश पर बड़ी शक्ति के रूप में खड़ा होना है, उसके लिए जम्मू कश्मीर का इशू इस ढंग से आना चाहिए लोगों के सामने, ये वोट पॉलिटिक्स का इशू नहीं बनना। इसको लेकर देश के अंदर एक बड़ा इंफॉर्मेशन कंपेन चलाने की जरूरत है, और इसके लिए बहुत सारा एकेडमिक इंटेलेक्चुअल काम करने की जरूरत है। मैं आजकल जहां जाता हूं तो लीगल फ्रेटर्निटी के पास, यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेजेस में, और मीडिया के कुछ लोगों के पास जाता हूं, मैं उनको कहता हूं आप अपने यहां हर सब्जेक्ट के अंदर इन विषयों के ऊपर रिसर्च कराइए, एमफिल कराइए, पीएचडी कराइए। लिखने वाले लोगों से कहता हूं इस पर आप पुस्तकें लिखिए, मेटीरियल हम देते हैं। हमने जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर की वेबसाइट शुरू किया है, जम्मू कश्मीर नाउ .org।
आप उसको रेगुलर विजिट कीजिए। जम्मू कश्मीर नाव के नाम से एक फेसबुक शुरू किया, आप उससे जुड़िए। इस जम्मू कश्मीर के विषय को देश के अंदर आम व्यक्ति तक ठीक से ले जाने की जरूरत है, और पहले एक एकेडमिक इंटेलेक्चुअल सर्कल में इसको लेकर कंसेंसस बनाने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर को लेकर इमोशनल इंटीग्रेशन बहुत है, लेकिन जम्मू कश्मीर को लेकर उसका जो क्लियरिटी एक चाहिए, उसको लेकर जो एक स्पष्टता चाहिए वो देश में नहीं है, और जम्मू कश्मीर को लेकर इंटीग्रेशन का काम करने की जरूरत है। जे एंड के रिक्वायर्ड नेशनल कंसेंसस, नेशनल विल, नेशनल इंटीग्रेशन। आप सब लोग जम्मू कश्मीर आइए, जम्मू कश्मीर के साथ जुड़िए, जम्मू कश्मीर के लिए काम कीजिए। जिंदगी में तीन बार जम्मू कश्मीर जरूर आए, एक बार जम्मू आइए, एक बार कश्मीर आइए, एक बार कश्मीर आना है तो दल गुलमर्ग और पहलगाम देखने हैं नहीं आना, हिंदू कश्मीर देखने आइए। 5000 साल की जो हिंदू अपनी हिस्ट्री है वहां की वो देखने के लिए आइए। आपको ध्यान आ जाए जम्मू के अंदर आप बॉर्डर के इलाकों में जाइए, उन एरिया में जाइए जिन लोगों ने देश की लड़ाई की है, उनकी स्ट्रेंथन कीजिए उनको। लद्दाख के उस आखिरी गांव तक जाइए जिस गांव के अंदर वो भारत के तिरंगे झंडे को ऊंचा करके बैठा है, उसके गांव से 200 किलोमीटर पहले तक सड़क नहीं है, 80 घर है उस गांव के अंदर, लेकिन वो भारत के तिरंगे को शान से लहरा कर खड़ा है और अपने आप को भारतीय कहने पर गर्व करता है, उसको मजबूत करने के लिए जाइए वहां। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जुड़कर काम कीजिए। बड़ी बड़ी संस्थाएं हम यहाँ चलाते हैं, ऐसी संस्थाएं वहां पर भी कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खड़े करें, वो आकर काम करें। बहुत हो गया, हमने बहुत बार कहा कश्मीर घाटी में 180 मंदिर तोड़ दिए गए, जला दिए गए, हमने सब मंदिर दोबारा से बनाने का तय किया, 65 मंदिरों का जीर्णोद्धार किया, हर शहर एक मंदिर बनाए माता का। बड़ी बड़ी धार्मिक संस्थाएं हैं वो उस काम को करें, नौजवानों की संस्थाएं मिलकर अपने एनजीओ बना सकते हैं, साल में वहां पर एक 5 दिन 7 दिन जाकर रहेंगे, वहां के लोगों के साथ इंटीग्रेट होंगे। जम्मू कश्मीर को लेकर देश के अंदर कुछ काम करने की जरूरत है। साल में कम से कम एक दिन ऐसा रखिए जिस दिन जम्मू कश्मीर को लेकर अपनी आने वाली पीढ़ी को अवेयर कीजिए, सब इश्यू को लेकर अवेयर कीजिए। 26 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर का विलय हुआ था, उस दिन हर स्कूल कॉलेज में 26 अक्टूबर उस विलय दिवस को मनाकर जम्मू कश्मीर को लेकर स्पष्टता कर सकते हैं लोगों को क्या। एक 5-7 साल हम सब लोगों ने मिलकर ऐसा एक अवेयरनेस का और इंटीग्रेशन का काम प्रारंभ किया, तो देखते देखते हम अपनी आंखों के सामने जम्मू कश्मीर को देश के बाकी सब राज्यों की तरह और इंटीग्रेट होकर देखेंगे। आने वाले समय के अंदर जम्मू कश्मीर में यह सब हो सकता है, उसके लिए इस देश के देशभक्त लोगों को कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा योगदान करने की जरूरत है। इस आह्वान के साथ इस जम्मू कश्मीर को लेकर देश में एक कंसेंसस बनाने का, बिल खड़ी करने का, एक अवेयरनेस लाने का, इंटीग्रेट करने का जो कैंपेन शुरू हुआ है उसमें हम सब लोग भी जुड़ेंगे। इस आह्वान और विश्वास के साथ आप सबका धन्यवाद करके मैं अपनी बात पूर्ण करता हूँ। Thank you, Ashok Kumar ji. Thank you very much for your thought-provoking and inspirational speech. Thank you, sir. Now, anybody want to ask questions, please ask questions. Can I ask? I'm Suresh Kulkarni. क्वेश्चन सर सब आप कर लीजिए, उत्तर में एक साथ दे दूंगा वो ज्यादा अच्छा रहेगा। माय नेम इज सुरेश कुलकर्णी, रिटायर्ड एजीएम फ्रॉम स्टेट इन ऑर्गेनाइजर। आई हैव बीन इन टच विद काश्मीरी पंडित मेरे ऑफ जिमा मैं ट्रेड प्रेजेंट इन बनारस और इन जयपुर ऑल ओवर द कंट्री। दे डू नॉट सीम टू बी सो मच इन्वॉल्व विद गोइंग बैक एंड इंटीग्रेशन। They are very close to me. They have their own houses here. They see that their children prosper here. And though their own property in Srinagar, they have left them back. They have come here, they have their roots. But they do not want to live there. Why is this so? And can we do anything for that? To encourage them or to come together? Thank you. तो 370 कलम से निकालने के लिए क्या करना चाहिए हम लोगों को? आर्टिकल 370 है ना, वो उसके खेल है ना, वो ए बी सी सब को हटाने के लिए क्या करने का? धारा 370 जो है नजर से लागू होता है या जम्मू पे भी लागू हो जाता है? दूसरी बात, जम्मू में जो डॉक्टर अजय बोल के हमारे यहाँ पे आए थे बेलगाम में, डॉक्टर अजय करने में जो मालूम लगेंगे याद नहीं है। हाँ, तो उन्होंने यहाँ पे आके
थोड़े कुछ जानकारी भी दी थी यहाँ पर, लेकिन आगे कुछ हो नहीं पाया उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान। हमेशा जो है ड्रॉ करने के लिए जो है हमेशा उधर में जो है डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं, तो ये क्या सिर्फ का प्रॉब्लम है या ये जो है नेशनल इंटीग्रेशन का रखने के लिए जो है सत्तर से अस्सी के दशक में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, एक युद्ध हुआ था 74 साल में दोस्तों 71। तो मैंने सुना था कि मेरे फ्रेंड्स लोग मुझे बताते थे, मेरे स्पिरिचुअल गुरु लोग मुझे बताते थे कि भारतीय सेना रावलपिंडी से घुसी थी। सच है, मैं भी जानता हूँ कि मिलिट्री के लोग थोड़े भी मेरे फ्रेंड्स थे, उनके डैड उन्होंने बताया था। तो अभी तक पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर क्यों है और जो सीओ के हैं मतलब मैकलेन जो सेना ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो क्या दलाई लामा जो बौद्ध गुरु दलाई लामा है उनको हमने आश्रय दिया इसीलिए उन्होंने सेना ने हम पे आक्रमण करके सेना को मतलब वो कश्मीर का भाग ऑक्यूपाई किया है? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में हिंदुस्तान के सामने क्या विकल्प है? इन व्हाट वे वी कुड एबल टू सॉर्ट इट आउट? सवाल ये है जो अरुणाचल प्रदेश सीमाएं हैं जो सीओके के साथ जुड़े हैं सेना ऑक्यूपाइड कश्मीर जो भी हैं जो स्लो स्पीटिंग स्पीटिंग जो हो रहा है चाइनीज आक्रमण जो भी हो रहे हैं मंद गति से हो रहा है या जो मीडिया में छप रही है उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दीजिए। और ये जो सारी मीडिया में निकलता है निष्कर्ष निकलता है या बातें निकलती है कितने परसेंट सच होते हैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। धन्यवाद। I am Rajendra Inamdar, professor from this institute. Sir, I have seen a lot of TV programs in which it is seen that in Gilgit, Baltistan, the Shias and the Hazara communities there are against and disenchanted with the Pakistani authorities. Why is it that we are not able to reach out to them? Sir, what's that? Sir, you know, the Pakistani authorities have been involved in the बट हमें ये बताएं कि पॉलिटिकली हम तब तक टेम्परिंग कर करेंगे लोग और विदाई कर करेंगे ये इशू जो भी प्लेटफॉर्म पर रेज किया जा सकता है जो भी एक्सेप्ट टूरिज्म एंड एडवर्टी कश्मीर के बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी के वहां सुन पाए फर करते हैं आउटपुट है फर हेल्थ केयर आउटपुट अप्लाइड और इकोनॉमिक जिससे कंप्यूटर सिटी स्टेट का और इलेक्ट्रॉनिक स्टेट का कश्मीर तक नहीं जा रहा होगा। दूसरा उसको प्रोडिक्शन हाई जो और अगर हाई है तो वहां पर हमें एंट्री की रेस्ट्रिक्शन जो आपने बताया सर इंडस्ट्री लगाने का और लैंड मिलेगा ही नहीं तो इंडस्ट्री लगेगी कैसे? तो स्ट्रेटेजिकली हम लोग कब उससे अच्छे मिलेंगे हमको जैसा कौन बॉन्ड को फेस कर सकते हैं। कुछ साल पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी पाकिस्तान फ्रॉम गिन्ना टू बिहार फ्रॉम वन ऑफ द एक्टर ऑफ द ट्रिब्यून कलकत्ता का। उसमें देखा था कि और देश में पहले कह रहा था कि जम्मू कश्मीर को तीन हिस्सों में बांट दिया जाए और कुछ उसका हल निकाल जाए। क्या सही हो सकता है कि एक विभाग एक इंटीग्रेटेड प्रदेश को उठाए करके उसका सलूशन निकाला जाए? सर आपने जम्मू कश्मीर का जो जियोलॉजिकल एरिया वगैरह बोल दिया जैसे कि लद्दाख जम्मू उसमें पॉपुलेशन के बारे में आपने बोला था कि जो मुस्लिम है वहाँ 40% है जो पास जिले में रहने में रहते हैं बाकी बहुत सारे हिंदू है जो लद्दाख में रहते हैं और जम्मू में रहते हैं तो 86% पॉपुलेशन दिल्ली मुस्लिम का 40% पॉपुलेशन मुस्लिम का है जो डोमिनेट कर रहे हैं जे एन के में तो जो 86% बहुत ज्यादा जो हिंदू है वो वहाँ क्यों क्यों बच रहे हैं क्योंकि वो 40% इतना डोमिनेशन कर रहे हैं इसलिए वो चीज बैठ रहे हैं। मैं समझता हूँ। लास्ट क्वेश्चन आप भी बताइए।
आपकी तरफ से ऑप्शन क्लोज कर दिया. अगर नरेंद्र मोदी जी पंत प्रधान हो जाएंगे तो कुछ जे एन के में फर्क पड़ेगा. आपने एक लास्ट क्वेश्चन पूछा था, थोड़ा मेरे साथ समझाने में समझने में कुछ अंतर रह गया. मैंने बताया था पॉपुलेशन 86% हिंदू बौद्ध में, 86% एरिया में वो मेजोरिटी है. टोटल पॉपुलेशन मैंने बताया था 1,20,00,000 पॉपुलेशन है, 70,00,000 मुस्लिम है, 50,00,000 हिंदू बौद्ध है. ये मैंने बताया था. कश्मीर वैली थोड़ा डेंसली पॉपुलेटेड है और कुल मिलाकर सेपरेटिस्ट वाइजिंग 5 डिस्ट्रिक्ट में डोमिनेट कर रहा है. दुर्भाग्य से यह गया कि हर अखबार का ब्यूरो चीफ श्रीनगर में बैठा है और 20 ईयर्स के टेररिज्म के पीरियड के अंदर जो बाहर का पत्रकार वहां था, दिल्ली का या जम्मू या किसी और, वो सब बाहर आ गया. तो केवल वहां का वो सुन्नी कश्मीरी से मुस्लिम है वही रह गया और वो टेररिज्म के अंतर्गत वहां से वही वॉइस बाहर आता है. तो बाकी कोई वॉइस नहीं आता, इसलिए बाकी लोगों को जम्मू लद्दाख की कोई समाचार प्राप्त नहीं होता. इसके कारण से थोड़ा ये परसेप्शन जो है वो बदल गया भारत में. और दूसरा बात है हिंदू बुद्धिस्ट ने और नेशनलिस्ट मुस्लिम ने भी लड़ाई बहुत लड़ी है. अभी हमने यहाँ कुछ बुक लिटरेचर आने में कहीं उसने कम्युनिकेशन में पहुंचने अटक गया, नहीं तो मैंने पुस्तकें भिजवाई थी तो वो आएंगी, आप लोग पढ़िएगा. अभी इस साल वहां एक प्रजा परिषद का एजिटेशन हुआ, वो एजिटेशन फुल इंटीग्रेशन का एजिटेशन था. देश को उसके बारे में जानकारी मिलते 60 ईयर्स हो गए बाद में डॉक्टर मुखर्जी का जिसमें बलिदान हुआ है, वो वहां के नेशनलिस्ट लोगों का मूवमेंट था. कभी भी शेख अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर ने अपना लीडर नहीं माना, वो केवल कश्मीर वैली के लीडर. आज भी स्थिति ऐसी है लेकिन दुर्भाग्य से क्या है कि वहां का जो सिस्टम बन गया, मैंने बताया कि उन्होंने ऐसा सिस्टम क्रिएट कर लिया है जिसमें कश्मीर का डोमिनेशन हो गया नहीं है, इसके कारण से वो डोमिनेट. फर्स्ट क्वेश्चन था कश्मीरी हिंदू वापिस नहीं जाना चाहते, ये ठीक है. 1990 का एक माइंड सेट था, वापिस जाना इतना आसान होता भी नहीं है. आज सुबह ही कह रहा था किसी को, मैंने कहा बेलगांव के किसी मोहल्ले में 10-20-25 घर मुसलमानों के हो जाए तो हिंदू एक एक करके निकलना शुरू कर देता है और कोई हिंदू वहां जाके उसमें फिर मकान खरीदना नहीं चाहता. दुर्भाग्य से 1000 साल से हमारी साइकोलॉजी ऐसी बन गई है, पिछले 1000 साल का हमारा ऐसा है कि जहां से हिंदू निकला वहां वो वापिस. लेकिन ये रिवर्सल ऑफ हिस्ट्री ये निश्चित है, ये होगा. इसके लिए हमने प्रयास करना शुरू किया था. इतना कभी संघ जैसा मूवमेंट या ऐसा हिंदू कॉन्शियसनेस भी 1000 साल में नहीं थी, अब ऐसी स्थिति आई है. 94 से हमने वहां जाना शुरू किया था. मैंने आपको बताया कि 65 टेम्पल्स हमने दोबारा से और पुनर्जीवित किया. नित्य प्रति पूजा होती है, महीने में एक हवन होता है, साल में एक बड़ा प्रोग्राम होता है. धीरे धीरे करके हिंदू को वहां ले जाना शुरू किया. पहले वहां अपने उस गांव के तीर्थ पर जाए, फिर अपने गांव में भी जाए, फिर 10-20 दिन रहे भी वहां. पिछले कुछ समय के अंदर एम्प्लॉयमेंट के लिए भी एक 5,000 कश्मीर के हिंदू वापस गया है. लेकिन ये जो वन टाइम रिहेबिलिटेशन है जिसको आपने कहा, जिसको वापसी असली में वापसी कहते हैं, ये वापसी जो है ये नारा नहीं हो सकता. इसके लिए आपको कुछ मैकेनिज्म देना पड़ेगा. आप गांव से शहर आके बस जाते हैं, रिटायरमेंट के बाद आपकी बहुत इच्छा होती है अपने गांव में जाकर रहे, लेकिन बहुत सोचने के बाद भी नहीं जा पाते. बच्चे कहां रहेंगे, पढ़ेंगे कहां, फैमिली यहां, 10 बातें अपने मन में रहती है, क्या करेंगे. 20 साल के अंदर जो बाहर आ गया, जिसके बच्चे बेंगलोर दिल्ली पुणे में नौकरी करने लग गए, मकान बन गए, तो क्या करना. अभी हमारी गवर्नमेंट से काफी बातचीत चल रही है, इन सब रिफ्यूजीज और डिस्प्लेस के इशू को अपने देश का कोर इशू बनाना है, इसके लिए हम काम कर रहे हैं. ऐसा एक विचार चल रहा है, अगर गवर्नमेंट इस बात के लिए तैयार होगी तो वहां एक 2-3 बड़ी टाउनशिप बनाई जाए, जिसमें हमने कहा है कि ऐसी 56,000 फैमिलीज आई थी उस समय, अभी नंबर थोड़ा 70,000 के आसपास है. वन टाइम रिहेबिलिटेशन हो सकता है क्या? सरकार इस बात को तो मान गई है कि 15,000 लोगों को 15,000 को वो एम्प्लॉयमेंट देंगे, मकान बनाने के लिए 7.5 लाख रुपया, 7.5 लाख देंगे, और जमीन नहीं है तो जमीन देंगे मकान बनाने. हमने कहा कि नहीं, ये नहीं, आप इसको थोड़ा ठीक स्ट्रक्चर करिए इसको. हमारी ये कल्पना है कि 2-3 टाउनशिप बने जिसमें नए शहर बसे, जिसमें बाकी आधे परिवार मुसलमानों को भी रहे, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इन सब को भी एक साथ रहने का अवसर मिले. अब वो दोबारा वो अपने 5 घर के गांव में जाएगा, किसी का बेटा डॉक्टर बन गया है तो वहां प्रैक्टिस कहां करेगा, तो एक टाउनशिप होगी तो वहां अपना क्लिनिक खुलेगा, कोई बिजनेस करेगा, कोई एवेन्यू मिलेगा. मैं वहां दुकान करता था, मेरी दुकान को 20 साल में रही, आज मुझे जाकर दोबारा बिजनेस करना है तो कहां करना है, तो उसका आपको कुछ ऑप्शन. तो इसलिए वापसी जो है ये केवल नारा नहीं है, देश के अंदर ये एक फोकस इशू बनना चाहिए. देश के अंदर ये इशू समाप्त नहीं है, ऐसा मानकर हम सब लोग काम करें. और एक बार कश्मीर के हिंदू को एक लगा, कश्मीर का हिंदू वहां पर तब भी था जब वो 4-5% था, भारत बनके था, उसकी बड़ी हिम्मत थी,
उसके मन में एक ही बात आती थी, किसी दिन मेरे को कोई हाथ लगाएगा, मेरी ओर कोई आंख उठा के देखेगा तो सारा हिंदुस्तान खड़ा हो जाएगा। लेकिन उसके मन का एक दर्द है, जिस दिन मैं वहां से निकला हिंदुस्तान खड़ा, देश को भी खड़ा होता। अमरनाथ जैसा एजिटेशन उस समय हो गया होता तो नहीं होता, देश के अंदर एक वातावरण भी बनना उसको लेकर, वहां के नहीं देश के किसी भी। तो थोड़ा सा काम हमको भी करना है, थोड़ा उसका एक विश्वास भी जगाना है कि तुम चिंता मत करो, तुम भी चलो और तुझे नहीं जाना तेरे साथ मुझे भी जाना है। इसलिए हम सारे देश को कह रहे हैं कि कश्मीर में हिंदू को नहीं जाना, हिंदुस्तान को जाना है। इसलिए मैंने कहा कि वहां टू ट्रेवल के नाते आइए, वहां बकार स्कूल बनाइए, बिल्डिंग बनाइए। मैं सुबह चर्चा हो रही थी, बेलगांव में गणपति की बड़ी मान्यता है, मैं पूना में गया था, मैंने कहा अष्ट सिद्धि विनायक की यात्रा करते हैं, एक गणपति आप श्रीनगर में दिया है, आप तय कर लीजिए कि अष्ट सिद्धि विनायक की यात्रा तभी पूरी होगी जब गणपति यार में नौमी पूजा जाकर आप करेंगे। एक बड़ा टेंपल बनाइए वहां पर, देश को कनेक्ट होना कश्मीर के साथ, कैसे कनेक्ट हो सकते हैं इसके लिए हमको सोचना है। इंडस्ट्री की बात चली थी, 10 साल पहले वहां के कानून में बदल आ गया है, बिजनेस और इंडस्ट्री करने के लिए 90 साल की लीज पे जमीन मिलती है। आप लोग आइए, 600 इंडस्ट्री आई है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं आप इंडस्ट्री के लिए। आप लोग इसको एज ए सोशल कॉज मानकर जिनके पास कुछ हो सकता है वो वहां इन्वेस्ट कर रहा था, उसके कारण से हिंदुस्तान भी जाने वाला है। 600 इंडस्ट्री के कारण से 1 लाख देश का व्यक्ति भी वो सेटल हुआ जाएगा। ट्रेवल ट्रेवल का बिजनेस करना, नई पीढ़ी का नौजवान कहता है आज एमबीए करने के बाद क्या करना, उसको कहिए बिजनेस करिए, कश्मीर घाटी में भी करिए। तो ऐसा देश उसके साथ जुड़ेगा तो जम्मू कश्मीर को लेकर हम इस इंटीग्रेशन के मूवमेंट को खड़ा कर सकते हैं, कश्मीर का हिंदू भी जाएगा। धारा 370 पूरे जम्मू कश्मीर में लागू है, केवल कश्मीर गली में नहीं है। समाप्त कैसे हो सकती है, तो धारा 370 में लिखा है, इसके लिए सिंपल एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर चाहिए। थोड़ा देश के अंदर इसको लेकर कुछ कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट्स का कंसेंसस बनाने की जरूरत है। दूसरा, आर्टिकल 370 देश के अंदर ये दो बातें समझ में आनी चाहिए, एक इशू ऑफ पॉलिटिक्स नहीं है, और दूसरा धारा 370 का दुरुपयोग क्या हुआ है, क्या दुष्परिणाम हुए, इसके बारे में देश में चर्चा ज्यादा होनी चाहिए। मैं अभी कहता हूं इसको बात को भूल जाओ, 370 हट सकता नहीं हट सकता, 370 के क्या दुष्परिणाम है, एक बार ये तय हो गया तो कोई 370 का समर्थन करने वाला। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में मोर देन 100 अमेंडमेंट हो चुके हैं, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं, और इसके लिए उसकी भी जरूरत नहीं है। बेसिकली 370 का जो पर्पज है, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर देने के बाद 370 की कोई आवश्यकता नहीं है, बाकी कुछ कंफ्यूजन है जिनको खत्म करने हैं। तो 370 को समाप्त करने के लिए हम लोगों ने कुछ काम करने शुरू किए हैं। इस साल हम एक लॉ स्टूडेंट का ऐसे कंपटीशन कर रहे हैं, आपके यहाँ भी कुछ आप में से हो या आप जिनसे जुड़े हुए हैं लॉ स्टूडेंट्स को कहिए 20 अगस्त तक उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आर्टिकल 370 पर हमने 2 दिन का दिल्ली में सेमिनार रखा है 20 और 21 सितंबर, जो पार्टिसिपेट कर सके वो आ सकते हैं, कुछ लीगल लोगों को कहिए वो आए। इसको लेकर देश में हम एक कंसेंसस खड़ा कर रहे हैं, और एक 2-3 साल में हमको ऐसा लगता है कि देश में कैसा कंसेंसस खड़ा होगा, कोई 370 का समर्थन ये नहीं करेगा। AFSPA की बात चली थी, जैसे बहुत सारे कंफ्यूजन है ऐसे AFSPA भी कंफ्यूजन है। आप कहेंगे सारे कंफ्यूजन ही है क्या जम्मू कश्मीर, इसमें एक शब्द जुड़ गया स्पेशल, यही कंफ्यूजन है, स्पेशल नहीं है कुछ। आप लोगों को ऐसा लगता है कि सेना को सशस्त्र बलों कुछ विशेष अधिकार है, ये केवल सेना के लिए नहीं है, वहां पुलिस के लिए आर्म्ड पुलिस के लिए एक PSA है, जो PSA के अंदर अधिकार है वो AFSPA में भारत के सुरक्षा बलों को है। वो क्या है अधिकार, वो अधिकार यह है कि भारत में जो भी कोई काम होता है या रूल ऑफ लॉ लॉ के अंतर्गत होता है, यूनिवर्सिटी बनती है यूनिवर्सिटी एक्ट में, आप में गवर्नमेंट एम्प्लॉय काम करते हैं गवर्नमेंट एक्ट में काम करते हैं, एक म्यूनिसिपल का कर्मचारी काम करता है म्यूनिसिपल एक्ट में काम करता है, पुलिस काम करती है पुलिस एक्ट में काम करती है, आर्मी का भी एक आर्मी एक्ट है, BSF का BSF एक्ट है, CRPF का CRPF एक्ट है। वो क्या एक्ट है, आर्मी के एक्ट के अंदर आर्मी को काम करना है तो उसको 2 जगह काम करने का अधिकार है, एक बॉर्डर पर, दे हैव टू प्रोटेक्ट बाउंड्रीज, दूसरा आर्मी बॉर्डर के अलावा कहां रहती है, तो कैंटोनमेंट में रहती है, तो उनका जो ज्यूरिसडिक्शन होता है वो कैंटोनमेंट एरिया होता है, वहां पर भी एक अलग से एडमिनिस्ट्रेशन की स्ट्रक्चर होता है। जब आर्मी को इन एरियाज को छोड़कर कोई काम करने जाना है तो कैसे जाएगी, किसी एक्ट में जाएगी, इन स्पेशल सर्कमस्टांसिस ऑन ए स्पेशल ड्यूटी वी कॉल आर्मी। वो स्पेशल सर्कमस्टांसिस क्या थे, देयर वाज जस्ट लाइक अ वॉर, 85,000 AK-47 मिला है, टन्स ऑफ RDX मिला है, आर्मी की 10 ब्रिगेड खड़ी हो सकती थी, 40,000 टेररिस्ट मारा गया 20 साल के आतंकवाद, 30,000 कॉमन पर्सन मारा गया, 6,000 सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपने बलिदान दिए, दैट वॉज जस्ट लाइक इन वॉर वॉर लाइक सिचुएशन, इन स्पेशल सर्कमस्टांसिस व्हेन यू कॉल आर्मी ऑन ए स्पेशल ड्यूटी, तो आर्मी कुड कम अंडर ओनली एन एक्ट, एंड आर्मी एक्ट डज नॉट अलाउ फॉर दैट।
तो आपको अधिकार कैसे मिलता है? तो वहां की स्टेट गवर्नमेंट की अनुशंसा के ऊपर उस एरिया को डिस्टर्ब घोषित किया जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट उस डिस्टर्ब एरिया के अंतर्गत आर्मी को कॉल करती है कि आप आइए। उस एक्ट का नाम है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। दुर्भाग्य क्या था, इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस दैट शुड बी कॉल्ड एज एन एक्ट। वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस के लिए था, सेना को कोई विशेष अधिकार नहीं है। सिंपल सा एक अधिकार है, वो हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को है, ऑन ए गवर्नमेंट ड्यूटी। आप जब कोई काम करते हैं, आप किसी डिमोलिशन में जाते हैं, अगर आपके ऊपर कोई केस करना चाहता है तो उसके लिए आपको प्रायर गवर्नमेंट की परमिशन लेनी है। इस एक्ट के अंतर्गत भी केवल इतना ही है कि आपको प्रायर गवर्नमेंट की परमिशन लेकर ही आपके ऊपर केस चल सकते। आप कहते हैं कि उनको राइट टू शूट है, राइट टू शूट नहीं है, उनके लिए उनके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, वो एसओपी बने हैं। बेसिकली उस एसओपी के अंतर्गत आर्मी काम करती है, उस एसओपी में सब बातें ले हैं। सामान्य परिस्थिति में ऑर्डर मजिस्ट्रेट देता है, आतंकवादी गोली चला रहा है, कौन सा मजिस्ट्रेट आने वाला है वहां पर ऑर्डर देने के लिए? उन्होंने कहा कि आप गोली चला सकते हैं, गोली चला सकते हैं, तो आर्मी को या किसी सिक्योरिटी पर्सन को केवल डिफेंस में चलाने का अधिकार है, लेकिन सामने वाला आपको मारने पर बुलाए तो आप क्या करेंगे? तो आप उसको मारना ही पड़ेगा, आपको और तो कोई हल नहीं है, इतना ही अधिकार है। उसको स्पेशल पावर मिल गई है, ऐसा उनके बारे में एक लोगों के मन में ऐसा कुछ नहीं है। हम उमर अब्दुल्ला से सब लोगों को कहते हैं, आपको लगता है परिस्थितियां ठीक हो गई ना, तो बहुत अच्छी बात है, आप घोषित कर दीजिए कि आर्मी की जरूरत नहीं है, आर्मी वापस ले लिए, एएफएसपी अपने आप खत्म हो गया। आर्मी को आना तो किस एक्ट में आना है? आर्मी को आने के लिए एएफएसपी है, बिना एएफएसपी के आर्मी नहीं आ सकती, क्योंकि उसको किसी एक्ट में आना। तो इश्यू नॉट एएफएसपी, इश्यू है कि आपको सेना की जरूरत है या नहीं, आप डिसाइड कर लो। जिसको आपने कहा वहां बड़ी जनता में इसकी बात चलती है, जनता मनता में कोई बात नहीं चलती। एएफएसपी हटाने के लिए कौन बोलता है? टेररिस्ट बोलते हैं, पाकिस्तान बोलता है, सो कॉल्ड ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन जो केवल आर्मी एएफएसपी के लिए बात नहीं करते, वो नक्सलाइट एरिया में नक्सलाइट के अधिकार की बात करते हैं। सिक्योरिटी फोर्स भी तो मानव है ना, उनका भी कोई मानव अधिकार है या नहीं? वो खत्म हो गया क्या? मानव अधिकार सब क्या है? जनता नहीं करती। आप आइए जम्मू कश्मीर के अंदर किसी एरिया से सेना हटाने की घोषणा हो जाए तो जनता सड़कों पर आ जाती है, क्योंकि उनको मालूम है इस आतंकवाद को 40,000 कॉमन आदमी मारा गया है। ये आज आतंकवाद इसलिए खत्म हुआ है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने डोमिनेशन प्राप्त कर लिया है। जो दोबारा से आतंकवाद को पनपाना चाहते हैं वो चाहते हैं कि सेना वापिस चली जाए, और उसके लिए इस प्रकार से वो इश्यू खड़े करते हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं है। 71 के अंदर सेना लाहौर तक गई थी, 94,000 पाकिस्तान के सैनिकों का सरेंडर था, हमने बहुत सारे एरिए जीते थे, पीओके के भी एरिए जीते थे। दुर्भाग्य यह है 65 और 71 की लड़ाई में हमने पाकिस्तान के एरिए जो जीते थे वो तो वापस कर देते, लेकिन जिनको हम अपने नक्शे में दिखाते हैं वो आजीदीर का इलाका, वो छम से जुड़ते हुए इलाके, वो भी हमने जीत के वापस कर दिए, जो हम अपने मानचित्र में दिखाते। उसका कारण केवल एक है, जम्मू कश्मीर को लेकर देश का परसेप्शन नहीं है, वो सबका नहीं है, टॉप टू बॉटम सबका है। इस देश के अंदर सेनाएं कभी हारी नहीं है, देश नहीं हारा है, जब भी हारे हैं वार्ता की टेबल पर हमारे नेता या प्रतिनिधि हारे हैं। उसका कारण केवल एक है, दुर्भाग्य से इस देश के अंदर पॉलिटिक्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज और पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट चली है, उसके कारण से ये सब। हमको उस मोड से बाहर आना है, उसके लिए बहुत आरोप प्रत्यारोप करने की जरूरत नहीं है। दुनिया के अंदर पीओके का क्या होगा, पीओजेके कभी वापिस आएगा कि नहीं आएगा, मैं सब लोगों को कहता हूं दुनिया में कुछ भी सेटल्ड नहीं होता, हर साल 5-7 देशों की सीमाएं बदल जाती। हमने अपनी आंखों के सामने रशिया को टूटते हुए देखा, 18 टुकड़ों में बचकर देखा, वियतनाम को 2-1 होते देखा है, जर्मनी को 2-1 होते देखा है, सूडान को बढ़ते हुए देखा है, इंडोनेशिया को बढ़ते हुए देखा है। 71 में हमारे पास अवसर था, 47 में हमारे पास अवसर था, हमने सब एरियाज को वापिस ले सकते थे, ये अवसर दोबारा नहीं आएगा ऐसा नहीं है। 5-10 साल बाद दोबारा अवसर आया, क्या हम उस अवसर का लाभ उठाने के लिए तैयार हैं क्या? इसकी तैयारी कीजिए, अवसर तो बहुत जल्दी आने वाला है। पाकिस्तान स्ट्रांग, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर स्ट्रांग एंटी पाक एटमोस्फियर है, वहां के बहुत सारे ग्रुप्स के साथ हम लोग भी मिलकर काम करते हैं। अभी हमने एक लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस किया 4 दिन पहले अमेरिका के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के एक नेता मान थे, वहां हमने अफगानिस्तान पर कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन मुख्य इशू गिलगित बल्तिस्तान था, हमने उसको दुनिया के फोरम से उठाना शुरू किया। वो सब कहते हैं, वो लोग तो ये भी कहते हैं कि आप हमको भारत की नागरिकता मानते हैं, आप पार्लियामेंट में हमारे 2 प्रतिनिधि दीजिए ना, आप अपने आईआईटी आईएम्स में हमको दाखिले दीजिए, हमारे बच्चों के इलाज की व्यवस्था कीजिए, हम कौन सा हम आएंगे ना। लेकिन देश के अंदर इन एरियाज को लेकर एक भावुक खड़ा करने की जरूरत है।
आने वाले समय के अंदर इन सब विषयों को लेकर दोबारा से परिस्थिति ये खड़ी हो सकती है। सीओपी को लेकर ये जो सारा हिस्सा है, एक बात हमेशा समझ लीजिए, मैकमोन लाइन को लेकर विवाद था, लद्दाख के एरिया को लेकर बॉर्डर का कभी कोई विवाद नहीं रहा। मैकमोन रेखा का संबंध लद्दाख से नहीं है। 1842 में जम्मू कश्मीर के महाराजा की ट्रीटी हुई थी, जम्मू कश्मीर और तिब्बत, जम्मू कश्मीर और चाइना, चाइना और तिब्बत बाद में ब्रिटिशर्स के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी शामिल हुई और उसके अंदर हमारी सीमाएं रेखांकित की गई। हमारे बिल्कुल मैप है, डिमार्केटेड मैप है। 36,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ अक्साई दिन में केवल एक इनहेबिटेड विलेज है। उसका रेवेन्यू 1947 तक लेते थे। आज भी हमारे वहां पर जाने वाले वहां के भेड़ बकरी चराने के जो लोग थे उन क्षेत्रों में आज भी जाते हैं, आज यानी अभी 5-7 साल पहले तक भी जाते थे। चाइना को लेकर, इन एरिया को लेकर चीन के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं था। इतिहास में लद्दाख के एरिया में चीन को लेकर कभी जमीन का झगड़ा नहीं रहा हमारा। ये कब शुरू हुआ? जब तिब्बत के ऊपर हमने चाइना की सॉवरेनिटी को स्वीकार किया। तिब्बत और जिनजियांग चाइना के प्रॉब्लमेटिक एरिया थे और उन्होंने एक विचार किया कि कभी भी किसी समय तिब्बत से जिनजियांग को हमको कनेक्ट करना पड़ सकता है, आर्मी की मूवमेंट कर सकती है। उन्होंने तिब्बत से जिनजियांग एक बड़ा हाईवे बनाने का निर्णय किया, एक महामार्ग बनाने का निर्णय किया। तो वो अक्साई चीन में से गुजरता था, उन्होंने कहा हमको अक्साई चीन चाहिए। ये उस दिन विवाद शुरू हुआ। फिर उन्होंने केवल कहा नहीं, उन्होंने रोड कंस्ट्रक्ट कर लिया। हमको तो पता लगा जब वो रोड कंस्ट्रक्टर हो चुका। 56 में पहली बार हमारी अग्रिम चौकी के लोग जब वहां चौकी बनाने के लिए हम गए तो हमको पता लगा वहां तो सड़क बनी हुई है। 2 साल पार्लियामेंट से छुपा के रखा गया। 58 में पहली बार नेहरू जी ने एक्सेप्ट किया पार्लियामेंट में। बेसिकली चाइना के साथ हमारा कभी विवाद नहीं था। अच्छे अच्छे एक्सपर्ट ये कहते हैं कि हमारी बाउंड्री डिमार्केट नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। हमारी बाउंड्री डिमार्केट है लद्दाख के क्षेत्र के अंदर। चाइना ने हमारे को लेकर, इस बाउंड्री को लेकर कभी डिस्प्यूट खड़ा नहीं किया। ये डिस्प्यूट तब हुआ जब अपने जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए चाइना को एरिया चाहिए था, तब ये प्रश्न खड़ा हुआ। हमको देश के अंदर इन बातों की स्पष्टता करने की जरूरत है। वास्तव के अंदर ये सारी इंकर्शन किस लिए हैं? वो अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए अपनी बाउंड्री डिसाइड करना चाहता है। हमको अपने इंटरेस्ट सर्व करने के लिए अपनी बाउंड्री डिसाइड करनी है। दुनिया के अंदर कोई भी जो वॉर होती है वो वॉर हमेशा वॉर ऑफ नर्व होती है। वॉर ऑफ नर्व में जीत और हार होती है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये इस बात पर डिसाइड करना है। हमारे यहाँ कहते भी है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। इस चीन को बड़ी ताकत मानना बंद कर दीजिए। चीन भारत के लिए उतनी चुनौती है जितनी भारत चीन के लिए है। अपने दिमाग में से चीन के हुए को खत्म कर दीजिए। फर्क इतना है, चीन ने शतरंज की अपनी दिशा बिछा दी है। आपको बिछाने जितनी परेशानियां आपकी हैं उससे ज्यादा उसकी है, जितनी ताकत उससे है उससे ज्यादा आपकी है। आपके पास सब कुछ है, केवल ये है कि हमको एक फैसला करना बाकी है। इस चीन की चुनौती का उत्तर कैसे देना है इसके बारे में देश के अंदर एक एटमोस्फियर करने की जरूरत है। मीडिया में जो कुछ आना शुरू हुआ है काफी बड़ी मात्रा में ठीक है, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ बातों को थोड़ा, आज का सेंसेशन का जमाना है और खासकर इलेक्ट्रॉनिक चैनल का कई बार प्रस्तुत करते हुए थोड़ी वो उसको ज्यादा सेंसेशनल बनाते हैं। जितना कुछ मीडिया में आता है उससे कम नहीं है। इतना सब है इंकर्शन को लेकर, वहां चल रहा है। हमने पहली बार अभी 3 महीने पहले दिल्ली में कार्यक्रम किया था जिस समय सब मई में चला था इंकर्शन का। हमने वो दोनों सरपंच बुलाए थे, जहां वो डीबीओ जिसमें सारा घुसपैठ थी उसके सरपंच को दिल्ली बुलाया था और चुमूर का इलाका जहां चल रहा आजकल, चुमूर का इलाका, इसके भी सरपंच को बुलाया था। पहली बार सारे एक्सपर्ट के सामने कहा आप असली सुनो, फोटो वोटो सब लेकर आए थे। तब उनको पता लगा असलियत क्या। उन्होंने कहा हम तो 60 साल से झेल रहे हैं, हमसे पूछो क्या बढ़ रहा। देश के अंदर इन विषयों के प्रति अवेयरनेस जगनी चाहिए। मीडिया में जो आ रहा है वो काफी बड़ी मात्रा में ठीक है। सब मिलाकर पॉलिटिकल टेम्परिंग कब तक चलेगी, मिसगाइड कब तक चलेगा? जब तक हम इसको चलने दे रहे हैं तभी तक चलने वाला है। देखिए, ये डेमोक्रेसी है, जनता जैसी होगी वैसा ही जनता का नेतृत्व होने वाला है। नेता चोर नहीं है, चोरों को कहा जाए चुनाव करिए तो किसका करेगा? बुरा मत मानिएगा। ये जिम्मेदारी जो है ये समाज की है, हम स्वीकार कर रहे हैं, हम सहन कर रहे हैं। हमको तय करना है, कभी तो लिमिट हमको बांधने ही पड़ेगा। वो ठीक दिशा में जा रहा है, वो लिमिट बांधने वाली है, बहुत दिन चलने वाला नहीं है। जम्मू कश्मीर के ट्राइफर्केशन की बातचीत चली थी, मुझे लगता है कि जिन्होंने कहा बेसिकली जम्मू कश्मीर बाकी स्टेट की तरह स्टेट नहीं है, अल्टीमेटली तो जम्मू कश्मीर को ट्राइफर्केट होना ही है, वो है ही चीज। जम्मू कश्मीर के महाराजा की 1947 तक टाइटल था जम्मू कश्मीर लद्दाख नरेश तथा तिब्बत आदि देशाधिपति।
He was not ruler of Jammu, not ruler of Kashmir. He was the ruler of Jammu, Kashmir, Ladakh and some areas of Tibet also. Kashmir se, Jammu Kashmir se, Ladakh ki road connectivity aaj bhi November mein band ho jati hai. 20 November ke baad sadak band ho jati hai. 1st May ko khulti hai. Aap kalpana kariye ek state hai. 6 months to wahan road connectivity nahi hai. 59,000 square kilometers. Kisi ko jana hai to 2 flights hai in a week. From Jammu, 1 flight from Srinagar in a week. तो कैसा स्टेट है? That is an unnatural, book created state है. जम्मू से कश्मीर तक all weather road 1960 से पहले 12 month के लिए नहीं था. All weather road for 12 month नहीं था. ये बनियार टनल नहीं बनता, तो सड़क नहीं थी हमारी जम्मू. हमें जम्मू से कश्मीर जाने के लिए पंजाब होकर जाना पड़ता था, जो पाकिस्तान के कब्जे में चला गया था. तो बेसिकली वो एक क्रिएट हुआ स्टेट. वो कैसे हुआ वो एक अलग बात है. वास्तव के अंदर, देश के अंदर लिंग्विस्टिक आधार पर स्टेट बने तो जम्मू की भाषा डोगरी है, कश्मीर की कश्मीरी है, लद्दाख की भोटी है. रीजन अलग-अलग है, दोनों एक बड़े डिस्टिंक्ट, तीनों डिस्टिंक्ट रीजन है. उनकी अपनी कल्चरल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी तीनों का अलग है. 1846 से पहले वो कभी स्टेट भी नहीं थे. तो सब मिलाकर भारत में जिस आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, वो भी होना चाहिए. इसमें कोई हर्ज नहीं है. वास्तव के अंदर ट्राइफर्केशन करने के बाद लद्दाख की प्रॉब्लम की एड्रेस होंगी, और कम से कम लद्दाख को तो यूनियन टेरिटरी बनना ही चाहिए. जिस प्रकार के चाइना का चैलेंज आने वाले समय के अंदर है, जे एंड के एक स्टेट रहते थे, आप लद्दाख की ओर उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे. जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में भी आया कि हमको लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाकर गिलगित बाल्टिस्तान के बारे में सोचना शुरू करना चाहिए, वो हम तभी सोच पाएंगे. और उनकी आपस की कल्चरल अफिनिटी भी है उन एरिया की, तो उसको लेकर हमको काम करने की जरूरत है. देश में इन सब विषयों के बारे में नारेबाजी नहीं चाहिए, थोड़ा कंसिस्टेंट काम चाहिए. देश की आवश्यकता के हिसाब से हमको कुछ करना है. लास्ट क्वेश्चन था और लास्ट ही था शायद वो. देखिए, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने पर क्या होगा ये तो मैं नहीं कहता, लेकिन एक बात बिल्कुल पक्की बताऊं, कोई प्रधानमंत्री बने 5 साल में पूरा जम्मू कश्मीर इंटीग्रेट होगा. एक बात से इस देश को निकलने की जरूरत है. इस राष्ट्र का निर्माण नेताओं ने नहीं किया, लीडर्स आएंगे और जाएंगे. लीडर्स नहीं, हिस्ट्री जो है वो जनता क्रिएट करती है, और जनता की जैसी मानसिकता बनती है वैसा नेतृत्व बनता है. दुर्भाग्य से बहुत सारे विषयों की स्पष्टता इस देश के अंदर नहीं है. मैं जम्मू कश्मीर के इश्यू को लेकर सबसे मिलता हूं, बीजेपी की भी सेंट्रल लीडरशिप के साथ भी मिलता हूं, सबके साथ मिलता हूं. मेरा मानना है किसी भी पार्टी के अंदर जम्मू कश्मीर को लेकर किसी के मन में ऐसी भाव नहीं है कि जम्मू कश्मीर हाथ से चला जाए. विषयों की स्पष्टता क्लैरिटी नहीं है. जो प्रॉब्लम है थोड़ी हमारे सिस्टम की भी प्रॉब्लम है. कुल मिलाकर 65 ईयर्स के इस एक्सपीरियंस के बाद देश को कुछ मात्रा में अपने सिस्टम को लेकर भी आत्मसमीक्षा करने की जरूरत है. वो एजुकेशन भी है, वो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप भी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी है, सब विषयों पर हमको समझने की जरूरत है. उसके बाद हम बहुत सारी समस्याओं का समाधान ये कर पाएंगे. सब मिलाकर ऐसा लगता है कि देश का एटमोस्फियर जिस दिशा के अंदर जा रहा है, और देश में जैसा एक समाज की मानसिकता बन गई है, केवल जम्मू कश्मीर नहीं, देश के अंदर ऐसे और बहुत सारे प्रश्नों का समाधान ये समाज ये करने को मजबूर करेगा, ऐसा वातावरण बनता दिखाई दे रहा है.